सजन यार, ये डिसीजन मेकिंग वाला जो पीडीएफ है ये सर मैं अपना मोबाइल आज कैरी नहीं कर रहा, घर पे भूल गया हूँ। अल्लाह करे कोई मैसेज नहीं आ जाए, इंडिया ऐसा कोई काम नहीं किया मैंने। हाँ तभी तो मैं सुकून में हूँ, नहीं उसमें लॉक लगा हुआ। अच्छा अच्छा ये कह रहे थे डिजाइन लिमिटेड। अच्छा देखो इसमें है क्या, मैं सवाल के पहले बैकग्राउंड बताऊंगा फिर उसको हम सॉल्व करें। देखिए इसमें यह है कि कंपनी दो प्रोडक्ट्स बना रही है लेकिन 100% कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर रही। दो प्रोडक्ट बनाने के बावजूद कंपनी की स्पेयर कैपेसिटी बच रही है। क्या बच रही है? स्पेयर कैपेसिटी। यहाँ दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं से अल्फा और बीटा या जो भी है, ऑलिव और मिंट। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और ये 75% कैपेसिटी को कवर करके बैठे, 25% कैपेसिटी स्पेयर है। ठीक है जी, सबसे पहले उसने आपसे पूछा कि इस स्पेयर कैपेसिटी को यूज कर दें। ठीक है जी, ऑप्शन वन आपको दिया कि स्पेयर कैपेसिटी को यूज करते हैं जंबो पैक बनाना। क्या बना के? जंबो पैक बनाना। मैंने कहा जंबो पैक बनाने का मतलब उससे कहा एक यूनिट ऑलिव का लेते हैं, एक यूनिट मिंट का लेते हैं, दोनों को एक डब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, एक बड़ा पैक बना देते हैं और ये 90% प्राइस पे बेचते हैं। यानी एक बंदा अगर सर ऑलिव ले रहा है और मिंट ले रहा है दोनों, वो उसको पढ़ रहे हैं सर मिसाल के तौर पे 100 और 150 के 250 रुपए के पढ़ रहे हैं, मिला के एक बॉक्स बना दो और वो 235 रुपए में दे। ठीक है, डिस्काउंट दे दो थोड़ा सा, इससे क्या होगा जंबो पैक लोग खरीदना शुरू करेंगे तो सीधी सी बात है ये 25% कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी। लेकिन उसने कहा जंबो की डिमांड ज्यादा है, जंबो करेगा ये कि स्पेयर कैपेसिटी से ज्यादा डिमांड आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको 75% कैपेसिटी में ऑलिव और मिंट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वो वैसे ही कम हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब जंबो बिकने लगेगा इनके इंडिविजुअल डिमांड नीचे आ जाएंगे, तो हम चाहेंगे कि जी स्पेयर कैपेसिटी से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा हम ले लो। ठीक है जी, अब वो कहेगा बताओ कंपनी को कितना एडिशनल मुनाफा होगा। तो आपने जंबो का पहले निकालना है प्रॉफिट इसका, और फिर आपने उसमें से माइनस करना है क्या चीज, वो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो तुमने लूज कर दिया। ऐसा जंबो बनेगा 25% से ज्यादा एरिया को। ठीक है, इससे क्या होगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सेल गिर जाएगी, सेल गिरने से क्या होगा सीएम लूज होगा। इसका मतलब जंबो आने की वजह से सीएम लूज हुआ। ऐसा तो आपने क्या करना है जंबो के एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन को या एडिशनल प्रॉफिट को कंपेयर करना है किससे, किससे वो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो तुम लूज कर रहे हो। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे ये 75% कैपेसिटी पे बनना था, ये कितने में बने? लेकिन सर स्पेयर जंबो के लिए कैपेसिटी यूज हो रही है 40%, मिसाल दें, तो इसका मतलब है ये 75 से कितने पे आ जाएंगे? तो 15% कैपेसिटी में जहां पहले ऑलिव और मिंट बन रहे थे वो अब नहीं बनेंगे, वो लूज हो जाएंगे। तो वो 15% का जो लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो आपने क्या करना है, वो अकाउंट फॉर करना है। क्या आप कहोगे जंबो बनाने से 40% कैपेसिटी पे जंबो बनाने से मुनाफा हुआ लेकिन ऑलिव और मिंट की कैपेसिटी कम होने से हमें क्या होगा, थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन का लॉस आया। ऐसा बेटा ये हाईएस्ट क्वालिटी के माइक पे चल रहा है इस वक्त, ठीक है, या तो फिर इंटरनेट का इशू होगा आपके यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास जो वॉइस इंडेक्स आ रहा है वो पूरा आ रहा है। आए जरा दोस्त इसको हम रीड करते हैं। डिजाइन लिमिटेड प्रोड्यूसर्स एंड मार्केट्स टू प्रोडक्ट्स ऑलिव एंड मिंट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम डीएल रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013। डन, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स पड़े हैं ऑलिव और मिंट। ऑलिव कितने का बिक रहा है? 760 का, मिंट 550 का, ये सेलिंग प्राइसेस है, क्लियर है ये? फिर वो कह रहे जी प्रोड्यूस करने पे 520 और 430 की कॉस्ट आएगी, ये भी क्लियर है? सर बेचने पे 40 और 20 की कॉस्ट आएगी, ये भी क्लियर है? एक यूनिट की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को ऐड करके आ जाएगी। ऐसा, फिर उसने नीचे दी हुई है फिक्स कॉस्ट, ये उसने दिए हुए यूनिट्स। इस टेबल से करंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ये इस पर्टिकुलर टेबल से विदाउट रीडिंग एनीथिंग जो नीचे गिवन है, इस टेबल से हम करंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे करंट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर मेरे पास ऑलिव है और मिंट है, सेलिंग प्राइसेस कितनी है? सर 760 और 550 साथ हो मेरे जी, वेरिएबल कॉस्ट
दोनों को मिला दो 560 और 450, 560 450 कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। वो भाई यहां लिख 200 और 100 यूनिट्स, 120,000 और 150,000। सर ये कहां लिखा हुआ है, ये रहा बेटा 120,000 और 150,000। ठीक है जी, बताओ सर कंपनी का टोटल सीएम। सर दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, जी कितना 24 मिलियन और फिर टोटल 39 मिलियन। डन, कंपनी की फिक्स कॉस्ट 4.4 मिलियन और 5.2 मिलियन, 4.4 और 5.2, 4.4 और 5.2, 4.4 मिलियन प्लस 5.2 मिलियन, कितना 9.6 मिलियन। अभी कितना कमा रहे हो तुम, कितना कमा रहे हो 29.4, कितना कमा रहे हो अभी 29.4 मिलियन। ऐसा ये कंपनी का करंट प्रॉफिट है जो वो कमा रही है। डन, अब हमने कहा इसको बढ़ाना है, उसको क्या कहते हैं बढ़ाना है। सर बढ़ाना कैसे, क्यों है? वो कह रहे जनाब दी अबव सेल्स वॉल्यूम आर बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स। इसने कहा इतनी डिमांड है जितना हम बेच रहे हैं। ठीक है जी, फिर डीएल इज करंटली ऑपरेटिंग एट 75% कैपेसिटी ऑफ द 75% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। क्यों 75 पे ऑपरेट करो, पर डिमांड इतनी है यार, 75 से ज्यादा प्रोड्यूस करने का कोई तुक नहीं बनता क्योंकि हमारी डिमांड इतनी है। इसका मतलब है 25% कैपेसिटी स्पेयर कैपेसिटी। द रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट ऑफ ऑलिव एंड मिंट इज द सेम। इसका मतलब है चाहे ऑलिव बनाओ चाहे मिंट बनाओ टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो फिर तो हमें सर पहले ऑलिव बनाना चाहिए फिर मिंट बनाना चाहिए, ये वाला टेक्निक नहीं करनी चाहिए? नहीं सर, वो लिमिटिंग फैक्टर में करते हैं। यहाँ तो लिमिटिंग फैक्टर क्या, वाफिर मिकदार में कैपेसिटी अवेलेबल है, चाहो तो और बना लो। ठीक है जी, अब बताओ सर मसला क्या है? मसला ये है कि हमने स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज करनी है। इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द स्पेयर कैपेसिटी द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग टू ऑप्शंस। ऑप्शन वन क्या करें भाई, ऑप्शन वन में वो कह रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट बनाओ, इंट्रोड्यूस अ सिंगल पैक ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स ऑलिव एंड मिंट। ठीक है जी, द प्राइस ऑफ सिंगल पैक वुड बी 90% ऑफ द कंबाइंड प्राइसेस ऑफ सेपरेट प्रोडक्ट्स। जी एक जंबो पैक बना देते, यही काम करते ना, यही काम करते। जंबो पैक का सीएम कितना होगा, जंबो जंबो पैक का सेलिंग प्राइस कितना होगा पहले ये बताओ। सर इन दोनों को ऐड करेंगे हम 760 प्लस 550 का 90%, कितना आ रहा है सर जंबू, कितना 1179। ये आ गया भाई जंबो का सेलिंग प्राइस। फिर अच्छा क्या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, नहीं होगी ना बेटा, डिस्काउंट देने से अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती मैं भर देता है आरटीडी। ठीक है जी, क्यों? मैं कहता है गरीब बच्चा बाहर बैठा हुआ है, अगर वो नहीं पढ़ पा रहा उसको बुला लो क्लास में बैठ जा। ठीक है जी, अगर उसको 100% फी वेवर दे के मेरी कॉस्ट भी जीरो हो जाती है, मैं तो पूरा पाकिस्तान को पढ़ा देता, एक लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चों से फीस ले लेता ताकि मेरा घर चलता, बाकी मैं क्या करता, पूरा पाकिस्तान पढ़ाता। लेकिन नहीं सर, एक फ्री बच्चे की कॉस्ट है। ठीक है जी, तो जब आप डिस्काउंट दोगे या फ्री में यूनिट दोगे कॉस्ट तो इनकर करोगे ना। तो बताएं सर मेरे पास कॉस्ट में क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बताएं सर मेरे पास कॉस्ट कितनी है, 560 प्लस 450 कितना, 560 प्लस 450 10। बताओ इस जंबो का सीएम कितना है? या है एक जंबो के यूनिट का सीएम, ऐसा आप ऊपर चेक करें, एक का सीएम 200, एक का सीएम 100 है, 300 रुपए का सीएम था दोनों का मिला के, यहाँ कितना आ रहा है 169। ये कम क्यों हो गया, क्या कॉस्ट कम हुई, ज्यादा हुई? कॉस्ट ज्यादा हुई, कॉस्ट उतनी है। फिर आप देखें जरा, आपने ये जो दोनों मिला के बनते कितने बनते, 760 और 550 1300 बनते, 1310। इसका लगाओ जरा 10% कितना होता है 131, ऐसा। तो सर अगर आप इन दोनों का सीएम ऐड करते हैं ना, ये बनता है 200 और 100 300, ये आ रहा है 169, 131 रुपए एग्जैक्टली कम। क्यों, रीजन क्या है? सर एक एक यूनिट हम अलग अलग करें तो 300 कमा सकते थे,
डिस्काउंट देने की वजह से हम कितने कमाएंगे, 169 ऐसा। चलो जी फिर, अब हमने कहा चलो जंबो बंद हो गया, अब होगा क्या? उसने कहा जनाब इट वुड इंक्रीज दी ओवरऑल मार्केट डिमांड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिजल्टिंग इन यूटिलाइजेशन ऑफ फुल कैपेसिटी। उसने कहा हम जंबो को इंशाल्लाह ऐसे बेचेंगे कि दोनों प्रोडक्ट्स की डिमांड 100% में चली जाएगी। हमने कहा वेरी गुड जी, इसका मतलब है जंबो कितने पे बनने वाला है? 25% का। अभी तक क्या नजर आ रहा है, 75 पे क्या बनता है? ऑलिव और मिंट। ये कह रहे हैं भाई ऑलिव और मिंट की डिमांड बढ़ के फुल पे चली जाएगी, ऑलिव और मिंट की डिमांड बढ़ेगी। हाँ ना, जंबो में ऑलिव और मिंट ही तो है, कोई बिरयानी मसाला थोड़ी डाला हमने उसके अंदर। अब मुझे बताओ सर, जब 100% पे चला जाएगा जंबो, 25% में प्रोड्यूस हो रहा होगा और 75% पे नॉर्मल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी? ऑलिव और मिंट। ये कह रहा है जनाब, हाउएवर इट इज एस्टिमेटेड दैट द सेल्स ऑफ सेपरेट यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट वुड रिड्यूस बाय 18%। उसने कहा भाई सिर्फ ये नहीं है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड 18% नीचे आएगी, इसके बावजूद हम 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर इंडिविजुअल का डिमांड नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है हम 18% नीचे जा रहे हैं, और 25% जंबो प्रोड्यूस हो रहा है तो जंबो 25 पे नहीं प्रोड्यूस हो रहा बल्कि 25+18 पे प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा? ये बात समझ आ रहा है? वो कह रहा है कि कंपनी 100% कैपेसिटी पे चलेगी, इसका मतलब है 100% पे चलेंगे, जंबो 25 पे नहीं बल्कि। अच्छा अब सुनो जरा दोस्त, एक काम करते हैं, और तो सुनना, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी हमारे यूनिट्स कितने बने हुए, 1,20,000 और 1.5 लाख। इसमें से बड़ा यूनिट किसका है, भारी यूनिट किसका है, ज्यादा टाइम किस पे लगता है? दोनों पे बराबर टाइम लगता है, दोनों पे बराबर टाइम लगता है, दोनों फैक्ट्री में जितना टाइम गुजारते हैं टोटल कितना ही है। इसका मतलब है चाहे ऑलिव बनाओ चाहे मिंट बनाओ, टाइम एक जितना लगेगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी कैपेसिटी को। तो बताओ अगर मैं आपसे कहूँ मुझे फुल कैपेसिटी निकाल के दो, तो आप कहोगे 2,70,000 डिवाइडेड बाय 75%, कितना? 3,00,000 फुल कैपेसिटी, 3,60,000। इस 3,60,000 के दो हिस्से हैं, जिसपे ऑलिव और मिंट बन रहा है वो है 2,70। प्लीज बोर्ड में देखना वो कितना है, 2,70। और हमारे पास क्या है सर, जंबो। जंबो अपेरेंटली अगर हम कुछ भी ना करें तो जंबो कितना, 90,000 मिंट और ऑलिव के यूनिट जंबो में। लेकिन सर जंबो में तो दो यूनिट है, जंबो में तो दो यूनिट है। अच्छा चलो फिर, अब वो कह रहे थे ना इसकी 18% कैपेसिटी नीचे आ जाए, इसकी 18% कितनी बनती है कैपेसिटी? ये रह जाएगा 82%, कितना? 2214 पक्का 00। अच्छा मुझे बताओ ये यहां से यहां तक जो कम हुआ ये कहां गया, ये यहां आ गया जंबो में कितना, 48,600। ये कितना होगा टोटल, 138। आप अगर थोड़ा अकल रखते तो आसानी से काम कर सकते थे, डायरेक्ट 3,60,000 का आप क्या कर सकते हो सर, 1% लगा सकते हो। कैसे? 25% तो ये आ गया, बाकी 75% का 18% कितना होता है, 75% का 18% जो ऑलिव और मिंट बन रहा था ना उसका 18% कम होगा कितना, 13.5। इसका मतलब है जंबो असल में कितनी कैपेसिटी पे बन रहा है, 43 पे नहीं 38.5। ऐसा आप 3,60,000 का जरा 38.5 निकालो, ये आ रहा है। आप लोगों ने जब पहले डिस्कशन करे थे गलती क्या की उसमें, आपने कहा 18% डिमांड कम होगी और आपने 25 में 18 ऐड कर, वो 18% 75 का 18% है, ठीक है जी। 75% पे ऑलिव और मिंट बन रहे थे ना, उसका 18% कम होगा। अब बताओ सर ये तो बन रहा है ऑलिव और मिंट, इसमें क्या बन रहा है, जंबो। जंबो के लिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, क्यों? क्योंकि इसमें 2 यूनिट है, क्योंकि इसमें 2 यूनिट है। अब बताओ कितना है सर, 69 300। ये बनेगा जंबो, ये क्या बनेगा, जंबो बनेगा।
और सर जो ऑल ओवर विंड है वो उनकी डिमांड कम हो गई, कितने परसेंट कम हो गई, तो उनका सीएम भी 18% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, और तो सुनना मेरे बच्चों, सीएम फ्रॉम जंबो कितना, 69,300 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 169। ये 169 कहां से आया सर, ये रहा सीएम कितना, 117। ऐसा पक्का, ये आप कह रहे हो कि कोई 11 मिलियन है, ये आप कह रहे हो 11 मिलियन है। अब बताओ लॉस्ट सीएम, पहले कितना सीएम कमा रहे थे जंबो से, सॉरी अल्फा और उससे, 39 मिलियन। ये 18% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, जल्दी का तरीका है, अदरवाइज तरीका क्या है, आप 1,20,000 को भी 18% कम कर दो, 1,50,000 को भी 18% कम कर दो, जो यूनिट निकले उनको 200 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका जवाब उतना ही निकलेगा। ठीक है जी, तो मुझे बताओ सर, मैं आसान काम ना कर लूं कि मैं 39 मिलियन का 18% ले लूं, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं जी, कितना आ रहा बताओ, 7.02 मिलियन। कैसे निकाला आपने, 39 मिलियन का 18%, कितना। अब बताओ क्या आप जंबो बना के कुछ उखाड़ रहे हो, हाँ सर, कितना, 7.02, कितना आ रहा सर एडिशनल सीएम, 2 से डिवाइड इसलिए किया बेटा आसन, अगर आपने अभी क्लास ज्वाइन की है, ऑल ओवर मिंट दोनों एक यूनिट ऑफ जंबो में जाते हैं, तो जंबो का एक यूनिट असल में 2 यूनिट के बराबर है, 9.1। ऐसा यह है मेरा एडिशनल प्रॉफिट या सीएम, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो इसमें बढ़ी नहीं रही है। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग करना, इसे आप आसानी से छोटी वर्किंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने लंबी चौड़ी वर्किंग इसलिए कराई ताकि समझ आ जाए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 2,17,000 लेते, उसको डिवाइड करते 75 से, क्या आ जाता, करो जरा 75 से डिवाइड करो, 360 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 38.5 से, क्या आ जाएगा, जो टोटल यूनिट से जंबो के अंदर जाएंगे वो आ जाएंगे। अब इसको आप डिवाइड कर दो 2 से, ये जंबो के यूनिट आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 169 से, और आप इसमें से अब 39 मिलियन का 18% माइनस कर दो, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास। ऐसा, ये वो सवाल था जिसमें लोगों ने स्कोर नहीं किया, हत्ता कि स्कोरिंग क्वेश्चन था। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है ये, जब उस वक्त टोटल कोर्स में 6 टॉपिक हुआ करते थे जी। दूसरा तरीका क्या होगा, फिर कोई मसला, जवाब यही आ रहा है, बिल्कुल सही, कोई इशू वाली बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। देखो मैं फिर एक बात बता दूं, फॉर्मेट नहीं है यहाँ पे, फॉर्मेट रेलेवेंट नहीं है। अभी सुबह आपको काशिप ने एक सवाल कराया होगा कैपेचिनो का, यार वो आई कैप ने काफी मुश्किल तरीके से किया। ठीक है, अच्छा, जो मैं चीजों को फॉलो करता हूँ, हमने लास्ट टाइम काशिप मेरे पास सोल्यूशन ला सका सर, ये तो आसानी से हो गया, छोटे तरीके से हो गया। मैंने कहा छोटे तरीके से हो गया तो छोटे तरीके से कर दो। तो उससे आगे मुझे कहा कि सर वो तो तकरीबन 5 मार्क्स वेरिएबल कॉस्ट के रखे। मैंने कहा भाई ये एक सोल्यूशन नहीं है, आई कैप का एग्जामिनर है, बोंगा नहीं है। मैंने आपको बताया ना, जिस बच्चे का अभी FFR में गोल्ड मेडल आया, 88 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आया था, उसके 84 मार्क्स आए। आई कैप की वेबसाइट पे मार्क्स लिखे हैं उसके, ठीक है ना, वो उसमें डाल देता है वो एग्जामिनर कमेंट्स, 88 अटेम्प्ट के 84 आए। और उसने मुझे जगह जगह बताया, मैंने सोल्यूशन सर आपने ऐसे कराया था, मैंने ऐसे करके कर, जवाब सही आया, हाँ सही आया, सेम आया, सर आप वो ऐसे करके करते हैं, मैं ऐसे करके कर। तो यार मार्क्स देता है वो, ठीक है जी, वो ये नहीं कि उसके पास एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, वो आपकी कॉपी पे ऐसे रखता है और चेक करता है कि उसके अंदर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो वो काट देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, सुकून से अपने हिसाब से काम करो। अगर एक बंदा टोटल प्रॉफिट पे भी जाके काम करता है, कोई इशू वाली बात, ठीक है जी। मैं फिर एक चीज रिपीट कर लूं, आई कैप का पेपर ना कॉन्सेप्ट टेक्निक नॉलेज इससे बियॉन्ड है,
वो है सेल्फ बिलीफ के ऊपर। एक काम आप कर रहे हो, आपको फील हो रहा है मैं गलत कर रहा हूँ, तो सही भी कर रहे होगे तो गलत कर दो। एक काम आप गलत कर रहे हो, फील हो रहा है कि सही कर दो, अल्लाह की कसम पास हो जाओ, कॉन्फिडेंस से जाके काम करो यार, ऐसी की तैसी। जनाब नहीं, हमारे जब जिनसे मैंने चीजें पढ़ी थी ना, उनसे मैं सवाल ऐसे पूछता रहा, सर मैंने तो एक तरीके से किया वो हो गया। उसने कहा नहीं भाई, आप मेरी तरीके पे चलो। मैंने तो टीचर को मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा सर वो कोई गाय थोड़ी है कि गले से काटना जरूरी है, ठीक है जी, और पेट में छुरी मार के नहीं मार सकते, ये थोड़ी है भाई, सवाल है। आप कह रहे हो मेरी तरीके से करो, नहीं भाई, टीचर जो भी आपको बोले, कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर आपको तरीका फॉलो करना पड़ता है, ठीक है जी, जहाँ फॉर्मेट के मार्क्स है, बाकी भाई किसी जगह फॉर्मेट के मार्क्स नहीं, मेरी बात हरफ आखिर नहीं है, आपको जो फॉर्मेट पसंद हो आप करो, जवाब सही आएगा, गलत नहीं आएगा, ठीक है जी। बड़े मांगे दोस्त सेपरेटली और मिंट ऑलिव सेल होंगे, उस सीएमबी निकालेंगे भाई, वो तो वैसे ही आ रहा है ना सीएम, वो सीएम तो पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है, डिसीजन मेकिंग में उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ खुबैर, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो सीएम कम कर दिया ना मेरा बच्चा, ये डाल दिया ना लॉस सीएम यार, ये डाल दिया ना मेरा बच्चा लॉस सीएम डाल दिया ना, और क्या मतलब। सर जब 18% सीएम कम होगा, बाकी का तो जंबो क्यों बढ़ेगा? वो कह रहे गला फाड़ फाड़ के कंपनी 100% पे ऑपरेट करेगी, तो अगर इसकी डिमांड गिरेगी ऑल ओवर मिंट की और जंबो नहीं बढ़ेगा तो क्या मतलब तंबू आएगा बीच में, जंबो की सेल बढ़ेगी ना। जी बढ़िया मांगे दोस्त, बढ़ जाए। अच्छा जी बढ़े आगे, एक एआरटीडी का कोई ग्रुप है कॉस्टिंग का, उसमें कल कोई लेवल की बगैरतियां चल रही हैं, ठीक है, कोई एआरटीडी कन्फेशन के पेज के ऊपर किसी ने चीजें डाली हुई है, वो शेयर कर रहे होते हो, वो यार तुम लोगों को हया शर्म है नहीं है, जो भी है बंदे ये काम करते, तुम्हारी बहनों के बारे में जाके कोई बात लिखे सरग कि तुम्हारी बहन है यार बहुत खूबसूरत है, आती यार मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारी गैरत गवारा करेगी, सबको बोल रहा हूँ, तो जो बगैरत नस्ल ये काम कर रही है यार उसको डिस्करेज करो, जी बगैरती लगाई हुई है तुम लोगों ने यार, हमारे अपने घर वालों के लिए स्टैंडर्ड अलग है, दूसरे के लिए हम कुछ भी करें। मैं बात बताऊं, मैं ऑनेस्टली मैं बात बताऊं, बड़े गुनाहगार लोग, लेकिन एक उसूल रखो जिंदगी, एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है ना। अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा कि बेहयाई जो है वो मैं करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने कहा अगर ये करना है तो फिर कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। सो मतलब यार जब एक आप बाउंड्री तोड़ देते हो ना, फिर आगे आप कुछ भी करो, डजंट मैटर यार। थोड़ा सा मैं कहता हूँ यार ख्याल रखो चीजों का यार, आप नाम लेके लोगों को यार उस पर डाल दो, तो तुम्हारी बहन का कोई नाम रखे उधर तो शर्म आएगी तुम्हें, हया चढ़ेगी तुम्हें, बगैर इंसान। ये मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ जो ग्रुप में है इस तरह, यार बच्चे सही कह रहे हैं यार, माइक करीब करें, माइक को लगाया ही नहीं। अच्छा जी चलें जी आगे बढ़े दोस्त, बढ़ जाएं। एक इंतहाई गरीब बच्चा मेरे पास आया जिसका भाई एक चौकीदार है, ठीक है, मतलब वो चौकीदारी करता है, अपने भाई को पढ़ा रहा है, इंतहाई शरीफ बच्चा आया। परसों मेरे पास एक लड़की वो लेकर आई व्हाट्सएप के, सर ये देखिए ये मुझे मैसेजेस कर रहा है उल्टे यार, मैंने उस बंदे की वो मतलब दुर्गत बनाई है ना, यकीन करो उसको, तो मैंने वो जलील किया है ना, मैंने कहा यार तुमको तुम्हारा भाई पैसे लगा के यहाँ पढ़ने भेज रहा है, ठीक है ना, मतलब तुम्हारे माँ बाप में से कोई गलती हुई थी किसी से, किस तरह का एटीट्यूड है तुम्हारा, बस सर वो गलती हो गई। तो मैंने कहा यार पहली दफा मैं तुम्हारी शिकायत सुनी, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसके बाद बियॉन्ड यार देखो मैं फिर एक बात बता दूं, आपने मेरी अपनी चार बेटियां ना, मेरा दिमाग इस चीज पर बहुत घूमता है,
गुस्सा आता है मुझे, सॉरी, ठीक है ना, आपके लिए बहुत सारी चीजें एक्सेप्टेबल होंगी, मेरे लिए नहीं एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। मैंने किसी बंदे को देखा कि वो किसी बंदे बंदी के को जो है ना उसकी जिंदगी तंग करने की कोशिश कर रहा है, मेरा पर्सनल फड्डा हो जाएगा उससे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा लिहाज रखो यार, एक ऐसा माहौल रखो जहाँ कल हम अपनी बहन बेटियों को भी भेज सके, ठीक है जी। आई होप आपने इसको जो है वो पॉजिटिव ही लिया होगा, मैं गैरतमंद लोगों की बात कर रहा हूँ। चलो जी, अब आए सर जी ऑप्शन टू पे, है ऑप्शन टू क्या कह रहा है? ऑप्शन टू कह रहा है कि ऑप्शन टू एग्जामिनर ने बहुत आसान कर दिया, उसने कहा यार फड्डा ही नहीं डालो कैपेसिटी, उसी का उसने कहा टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट सालसा एट अ प्राइस ऑफ 380 पर यूनिट, 380 रुपए पर यूनिट में ना एक नया प्रोडक्ट बना रहे, जम्बोम्बो को छोड़ो क्या बना रहे थे हम, सालसा। इट इज एस्टिमेटेड, सालसा इज एस्टिमेटेड टू हैव अ डिमांड ऑफ 80,000 यूनिट पर एनम, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 40% ऑफ ऑलिव होगी, 3.2 मिलियन की एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगी। इस बंदे ने ये नहीं बताया कि सालसा से क्या एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अफेक्ट होगी या नहीं होगी, हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई अफेक्ट नहीं होगा। ये सालसा कितने में बन जाएगा, उस 25% में ही बन जाएगा, डन। ये कह रहा है एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगी कितने की, तो क्या सालसा की वैल्यूएशन के लिए मुझे ऑलिव और मिंट को कंसिडर भी करना चाहिए? नहीं, वो नहीं, ऑलिव की तो वो कह रहा है 40% कॉस्ट के बराबर इसकी कॉस्ट है ना, ठीक है जी। अब एक बंदा कह रहा है आपके बेटे के जूते का साइज आपके मुकाबले में आधा है, तो उससे मेरे जूते का लेना देना नहीं है, सिर्फ क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। सालसा की प्राइस किस तरह निकलेगी, दी भी है कॉस्ट, ऊपर जाओ ऑलिव की कॉस्ट का 40% ले लो, क्या आ जाएगा, सीएम आ जाएगा, और सीएम को मल्टीप्लाई करूं किससे, 80,000 यूनिट से टोटल सीएम आ जाएगा, उसमें से क्या माइनस कर लूं, करके दिखाओ मुझे शब्द। ये रही वेरिएबल कॉस्ट ऑलिव की, ये रही लिखी हुई है, वेरी गुड जी, वेरी गुड मेरे बच्चों, नाइन टू एट, वेरी गुड सर। आपने किया ये कि आपने ऑप्शन टू रखा सामने, आपने कहा जी मैं प्रोड्यूस करूंगा सालसा, एक की सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 380, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 560 का 40%, 560 है क्या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कितने, 224 सीएम यूनिट्स, टोटल सीएम 12.48 मिलियन, क्या ये कमाने के लिए हमें कोई कुर्बानी देनी है, नहीं, बस से फिक्स कॉस्ट इनकर करनी है और कोई कुर्बानी नहीं, कितनी, बिल्कुल होती है बेटा, हमें रोज होती है जी, 3. नेट करें बेटा, मेरे पास क्या आ रहा है, 9.2। एक बात बता, तो सालसा बनाए या जंबो बनाए, सालसा बनाया सर, छोड़े जंबो अम्बो को, डिफरेंस देखें तो सालसा का प्रॉफिट काफी ज्यादा है, डन, हम आगे बढ़े। ये कॉपी करने तो कर लो, ऊपर वाले तो कर लिया था ना कॉपी, ऑलिव एंड मिंट की वर्किंग समझा दे, कौन सी बेटा, दो मिनट रुक जाओ, पहले कॉपी कर ले लो जी, बढ़े हम आगे दोस्त।
बढ़ जा। पिछले रिवीजन क्लासेस के मुकाबले में अब आसान लग रहा है क्योंकि तुम लोग ट्रेन हो गए थोड़े से। 5-6 क्लासेस और लग जाएंगी तो ठीक है ना, अच्छा हो जाएगा तुम लोग जी। एक चीज जो मुझे फील हुई इस दफा कि जो करनी चाहिए थी वो ये करनी चाहिए थी कि जैसे आपको ब्रेक इवन का टॉपिक चला रहा था मैं, तो मैं मतलब उसके बाद टॉपिक जैसे बीच में आ जाता है ना, तो तुम्हें 100 एमसीक्यूज दे देने चाहिए, ठीक है ना। एमसीक्यूज से ये होता है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना पॉलिश होते रहते हैं बार 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 बार, ठीक है ना। मैं अभी एक चीज देख रहा हूँ ACCA के पेज पे, मेरी बेटी ने ACCA का भी पेपर देना है थोड़े दिनों में, उसको भी मैंने मॉक एग्जाम दिलवाया ACCA की वेबसाइट पे परचेज कर दी। उनका बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, आपने पूरा पेपर सॉल्व किया 50 MCQs हैं, उसमें आपके 8-10 गलत हो गए तो आपको एरिया बता देगा कि जी कोर्स के इस एरिया पे आपकी कमांड का, उसको रेड कर देगा, इसमें बहुत वीक हो आप ऑरेंज कर देगा, इसमें आप स्लाइटली वीक हो, और ग्रीन एरिया ऐसा है कि जिसमें आप बिल्कुल सेट हो, ठीक है ना। इससे चीजें पता चल जाती है कि यार मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगली दफा मैं करूंगा ये कि सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ना ये MCQs वाला कल्चर लेके आऊंगा, ताकि लोगों की, क्योंकि अभी देखो आप लोगों ने थोड़े टाइम रेगुलर क्लासेस ली 3-3, 4-4 घंटे की, लोगों की चीजें जो है वो रिवाइज होगी, पॉलिश होगी, तो MCQs कंटिन्यूस रिविजन के लिए जरूरी है, ठीक है जी। लेकिन अगेन वही बात है कि आप उसको करो, ठीक है ना। एक बंदे ने अभी मुझे मैसेज किया, मैं अभी प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू करूंगा तो आपके रिविजन क्लासेस लूं। मैंने कहा नहीं बेटा, ना प्रोसेस शुरू करो ना रिविजन क्लासेस लो, मर जाओ, ठीक है ना, मर जाओ अगर अभी आप शुरू कर रहे हो। आप में भी कोई ऐसा है, ऐसा तो नहीं है ना कोई भी। अच्छा जी सर, बड़े हम आगे दोस्त, मेरा एक सवाल है सर, एक छोटा सा रिविजन क्वेश्चन इसी से ऊपर से रिलेटेड। भाई मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी, गौर से सुनना, ए और बी गौर से सुनना सर। दोनों का CM है 40 और 70, ठीक है जी। इस पे आर्स लगते हैं 5, इस पे आर्स लगते हैं 6, ठीक है सर। इसके यूनिट बन रहे हैं 2 लाख, इसके यूनिट बन रहे हैं 1.5 लाख, ठीक है जी। कंपनी ऑपरेट कर रही है एट 75% कैपेसिटी, ठीक है जी। कंपनी ने एक जंबो बनाना है, ठीक है जी, जिसकी सेलिंग प्राइस होगी 90% ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। एक एक प्रोडक्ट आपने डालना है, ठीक है जी, एक आपने ए डालना है, एक आपने बी डालना है, गौर से सुनना सर। जंबो की डिमांड, कंपनी 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेगी आफ्टर जंबो, मैं लिख देता हूं, द कंपनी विल ऑपरेट एट 100% कैपेसिटी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जंबो, ठीक है जी। जंबो के आने से कैनिबलाइजेशन होगी, ए में कैनिबलाइजेशन होगी 20%, बी में कैनिबलाइजेशन होगी 15%। ये क्या होती है कैनिबलाइजेशन? कैनिबल कहते हैं आदम खोर को। कैनिबलाइजेशन का प्रोसेस ये होता है कि जब आप एक नया प्रोडक्ट लेकर आते हो वो पुराने प्रोडक्ट की सेल्स को खा जाता है, ऐसा। अब बताओ जंबो आने से क्या होगा? जंबो बढ़ेगा, ए कम होगा कितना? 20%, बी कम होगा कितना? 15%। और सर ए और बी पे बराबर टाइम नहीं लगता, ऊपर मैंने दे दिया। अब मुझे बताओ सर, क्या जंबू लाना चाहिए कि नहीं? जंबू है या बंबू है, जो भी है, लाना चाहिए नहीं? शाबाश, सवाल दो है सामने। अब सवाल इतना सीधा नहीं है, अब शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं लगेंगे, पूरा काम करना है। शाबाश, अभी कैपेसिटी लिखा है ना बेटा, कंपनी इज ऑपरेटिंग एट 75% कैपेसिटी।
अच्छा देखो यहाँ आर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, क्यों? यहाँ दोनों पे एक जितना टाइम नहीं लग रहा, ऊपर हमने आर्स को कंसिडर नहीं किया, क्यों? क्योंकि मिंट और ऑलिव एक ही जितने टाइम में बन रहे थे, ठीक है ना? यहाँ आपको आर्स कंसिडर करना पड़ेगा, ऊपर आप अज्यूम कर लेना दोनों एक ही घंटे में बन रहे हैं। यहाँ कैपेसिटी आर्स में निकलेगी, ठीक है? नीचे नहीं आएगी। सेलिंग प्राइस है इसकी 100, इसकी सेलिंग प्राइस है 180। अब आ जाओ सर, मैं इसको खुद ही करा देता हूं, यहां देख करना है, खुद करना है, चलो कर। यहां तक पहुंचे ही नहीं, एक बंदे ने ऑनलाइन सवाल नहीं पूछा। नंबर ऑफ यूनिट्स से निकाल लेना जी, कितना 81, बस 81,000 आ रहा है, मे भी शायद सही हो। जी मैं कह रहा हूं जंबो के एक यूनिट में कितने आवर्स लगेंगे ये बता सकते? वेरी गुड सर, 11 आवर्स लगेंगे, वेरी गुड, बिल्कुल सही, 11, क्योंकि एक जंबो में तुम एक ए डाल रहे हो, एक बी डाल रहे हो, एक 5 घंटे हो। कर लिया, मैं कह रहा हूं करें, कर लिया। अच्छा यहां देख लो, 2 मिनट के लिए मैं सवाल को सॉल्व करा रहा हूं, प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो। मुझे एक चीज ये बताओ, अब मुझे ना पहले कंपनी का एग्जिस्टिंग सीएम निकालने की जरूरत नहीं, इसके बगैर भी काम हो जाए, ठीक है? मुझे बताओ जंबो बनाने में एक ए लगेगा, एक बी लगेगा, ठीक है जी? कंपनी के जंबो के यूनिट्स कितने, ए और बी के यूनिट्स कितने? ए के यूनिट्स है कितने, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख पे लग रहे हैं सर 5 घंटे, ऐसा 2 लाख यूनिट पे लग रहे हैं 5 घंटे, तो ये बराबर 1 मिलियन, 1 मिलियन आवर्स का काम हो रहा है सर, ठीक है? बी 1.5 लाख यूनिट बन रहे हैं 6 घंटे के हिसाब से, 9 लाख यूनिट्स का काम, 9 लाख आवर्स का काम हो रहा है। कंपनी की कैपेसिटी करंटली 1.9 मिलियन आवर्स है, ठीक है जी, आवर्स, ठीक है? कंपनी की ये कैपेसिटी 75% है, फुल कैपेसिटी कितनी होगी? फुल कैपेसिटी होगी 19 लाख डिवाइडेड बाय कितने, 75% क्या आ रहा है, 2533। पक्का ये आपके आर्स होंगे थोड़े टाइम बाद, जब आप क्या ले आओगे, जंबू ले आओगे। अब एक बात बताएं सर, टोटल कैपेसिटी 2533333, इसमें ए के कितने यूनिट बन पाएंगे अगली दफा, इसमें ए के कितने यूनिट अगली दफा बन पाएंगे? 20% कट जाएगा सर, 2 लाख, 2 लाख से डिमांड 20% कम हो जाएगी, कितनी? तो 2 लाख की डिमांड का 80% ही बन पाएगा, और पांच आवर्स लगेंगे इस पे, कितने, 8 लाख आवर्स ले जाएगा ए। बी सर 1.5 लाख यूनिट हम बना रहे हैं पहले, 15% डिमांड इसकी गिर जाएगी, कितना,
सेवन अब बताओ ये हमारे लिए बाकी की कैपेसिटी बच गई, कैपेसिटी लेफ्ट फॉर जम्बू 9688333 hours. जम्बो के एक यूनिट पे कितने घंटे लग रहे हैं? 11. क्यों? क्योंकि एक 8 डाल रहे, 5 घंटे वाला, एक 6 घंटे वाला भी डाल रहे, तो कितने? 880330. बस इतने यूनिट बन पाएंगे ऐसा, यही है. प्लीज बोर्ड में देखो, प्लीज बोर्ड में देखो, ए बी और जंबो, ऐसा गौर से देखो, छोड़ दो सारी चीजें. सर मेरे पास अब सर अब जो मैं सेल्स करूंगा वो कितने यूनिट्स की करूंगा? न्यू सेल्स 160,000 इसके आएंगे, और 1.5 लाख का 85%, 1,27,500 जम्बू के, ऐसा प्रीवियसली ये बिक रहे थे 2 लाख, ये बिक रहे थे 1.5 लाख, ये जीरो था. बताओ इधर लॉस कितना आएगा? लॉस या गेन 40,000 यूनिट यहां कम हो जाएंगे, इधर 22,500 यूनिट कम हो जाएंगे, इधर 88,030 बढ़ जाएगा, ऐसा. तो मुझे एक चीज ये बताओ सर, सीएम कितना है सर यहाँ पे? इधर सीएम कितना है? 40 या 50? सीएम कितना है? 40 और 70. यहाँ 40 रुपए के हिसाब से हमने लॉस किया, यहाँ 70 रुपए के हिसाब से हमने लॉस किया. जम्बो का सीएम निकाल लो सर, नहीं निकाला अभी तक. जम्बो का सीएम कैसे निकलेगा सर? जम्बो की सेलिंग प्राइस कितनी है सर? जम्बो की सेलिंग प्राइस है 100 प्लस 180 का 90%, 100 प्लस 180 का 90%, दैट इज 252. फिर जम्बो की वेरिएबल कॉस्ट, बहुत शुक्रिया बेटा, जम्बो की वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 60, इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 110. तो कितने होगा टोटल? 100. सीएम कितना है? 82. तो सर ये 82 से मल्टीप्लाई कर दें. मुझे बताएं सर यहां पर लॉस कितना है, इधर लॉस कितना है, इधर गेन कितना है? इधर 1.6 मिलियन का लॉस, 1.575 मिलियन का लॉस, इधर 7, इधर हमें मन मन के फायदा हो गया, ऐसा. हमारा प्रॉफिट कितना है जी? चलो जी 4043 400 4043. चलो जो भी है, बहरहाल फायदा हो गया हमें, ऐसा है. कितने लोग यहां तक पहुंच गए थे सेलिंग प्राइस मालूम करने के बाद? वेरी गुड, एक्सेलेंट. जूम आउट, इसको कर लो कॉपी, मैं नीचे भी कर देता हूँ, लेकिन ये देख लेना यार, तुम लोग हुआ ना उसमें बजटिंग का चैप्टर नहीं है. बजटिंग के चैप्टर में ये बहुत है. दो प्रोडक्ट बन रहे थे, तीसरा आ गया, दो की डिमांड गिर गई, अब बजट बना के दो कंपनी का क्या प्रॉफिट होगा? ठीक है ना, ऐसे 3-4 सवाल है पास पेपर, लेकिन चूंकि अब तुम्हारे उसमें है नहीं. है जी, आर एस लिमिटेड कौन सा हो?
वो तो पता नहीं क्या सवाल है। चलो जी, वेरी गुड सर। बस तूने क्या तैयारी बेटा अभी शुरू की है कि एक दिन पहले? चलो अभी मैं दोबारा भेज देता हूँ। शायद कल मुझसे ना प्रोसेस कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि सर ये क्वेश्चन है, जरा इसका सोल्यूशन ले लें। तो बच्चा था, कोई उमर नाम का बच्चा था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो वो सोल्यूशन मेरे पास ना वीडियो में बना हुआ है, मैं पूरी क्लास को दे देता हूँ। दो सवाल हैं, बड़े सवाल हैं, ठीक है ना? उसको मैंने सॉल्व कराया, मैं अभी आपसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? चलिए जी, बड़े हम आगे दोस्त। कौन सा? कैंपेक्स लिमिटेड, अभी करा रहा हूं, कर लेते हैं, लेकिन इतना और तो हमारा एग्जामिनर नहीं जाएगा। दे देता हूं, कोई टेंशन नहीं, मैं कर देता हूं। जिसको आता है ना वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, यार मैंने जो सीखा है उसका क्या करूं, है? रुक जाओ। चलो जी, आओ जरा एक छोटा सवाल और देखते हैं। सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, मैं पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा, फिर आपको लेके जाऊंगा आगे। सर सुनो, एक छोटा सवाल और गौर से देखना। हम बनाते हैं प्रोडक्ट ए, हम बनाते हैं प्रोडक्ट बी, ठीक है जी? और सुनो, हम बनाते हैं प्रोडक्ट ए, हम बनाते हैं प्रोडक्ट बी, दो प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, ठीक है? कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैं 21,000। कितने? 21,000। सर ए के यूनिट बनते हैं 15,000, बी के यूनिट बनते हैं 11,000, ठीक है जी? ए और बी का सीएम 50 और 140 है, ठीक है जी? गौर से सुनो, सीएम 50 और 140 है। आपसे कहा जा रहा है दोनों बराबर टाइम लेते हैं फैक्ट्री का, दोनों टाइम क्या लेते हैं? बराबर लेते हैं फैक्ट्री का। फिर बी का सीएम ज्यादा क्यों है? भाई और भी चीजें डलती हैं, मटेरियल डलता है, ये डलता है, वो डलता है, लेकिन उसका सीएम ज्यादा, इसका सीएम कम। कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, 21,000 आवर्स में ये दो यूनिट बन, फुल कैपेसिटी डन। हमने सोचा एक मशीन लगाते हैं, नहीं क्या लगाते हैं? एक नई मशीन लगाते हैं। मशीन से क्या होगा? मशीन से होगा ये कि हमारी फिक्स कॉस्ट, हमारी फिक्स कॉस्ट 40,000 रुपए या से 1,00,000 रुपए बढ़ जाएगी सालाना। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? सर आपको 5,000 आवर्स और मिल जाएंगे, 5,000 आवर्स। ए और बी ज्वाइंट प्रोडक्शन, ए और बी ज्वाइंट प्रोडक्शन, यानी ए बनाने जाओगे तो बी भी बनेगा। यहां दोनों में से ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा? बी है। दोनों में से ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बी है। जब तुम्हारे पास आवर्स लिमिटेड है और 5,000 एक्स्ट्रा आवर्स मिल रहे हैं, यू मस्ट प्रोड्यूस बी फर्स्ट। लेकिन ये दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट्स है। मेरा सवाल ये कि कंपनी अगर इन 5,000 घंटों को यूटिलाइज करे तो बताओ कंपनी एडिशनल कितना पैसा कमाएगी? शाबाश, 26,000 घंटे, 21,000 घंटों में 26,000 यूनिट बन गए, 5,000 और घंटे आपको मिल रहे हैं, ये दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट्स है, तो बताओ कंपनी एडिशनल क्या कमाएगी? साले को बेटा आप टेक अप दी मैटर और इंशाल्लाह ताला विद इन 2-3 आवर्स उसको मिल जाएगा एक्सेस, ठीक है? ऐसा कोई भी मसला हो तो इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म किया था।
बेटा आपका मैटर मैंने देख लिया, मैं इसको खुद टेकअप कर रहा हूँ, सब मुझे सिर्फ एक काम ये कर दो, ये जिस नंबर पे आपने मैसेज भेजा ना ये नंबर मुझे दे दो, क्योंकि आपके मोबाइल में शायद सेव हुआ हुआ है तो मुझे इसका नंबर पता नहीं चलता कि किस नंबर पे आप मैसेज कर रहे हो। चले जी, बेटा उसको ये भी कहो कि जिस पे नंबर पर मैसेज भेज रहा था ना वो नंबर भी मुझे दे, ताकि मैं उसको भी जरा सही करूं। जी हो गया जी, मैं कह रहा हूं। अच्छा देखो, सबसे पहले आपको इन 5000 घंटों को क्या करना था, 200 में तोड़ना था है? या 5000 घंटों को 200 में तोड़ूं, या मैं ये निकाल लूं कि 5000 घंटों में यूनिट कितने बन सकते हैं, दोनों एक जितना टाइम लेते हैं। इसका मतलब ये, गौर से सुनना, 21000 घंटों में 26000 यूनिट बन रहे हैं, ये बताओ एक घंटे में कितने आवर्स लगते हैं, 0.8 एग्जैक्ट, 0.8 पूरा पूरा 0.807 आवर्स पर यूनिट। अब बने आपके पास 5000 आवर्स हैं, इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, कितने यूनिट बन पाएंगे, 6190 इतने यूनिट बन पाएंगे, ऐसा यही है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 26000 ऊपर रखते और आप डिवाइड कर देते 21000 से, तो आपको पता चलता कि एक घंटे में कितने यूनिट बन सकते। बताओ ना यार, अब बताएं 1.238 यूनिट बनते हैं एक घंटे में, 5000 घंटों में कितने बनेंगे, ऐसा जी। आप चाहो तो इस तरीके से चले जाओ, चाहे इस तरीके से चले जाओ। अब बताओ इसमें ए और बी कितने होंगे, ए और बी होंगे 15/26 ए होगा, 11/26 बी होगा, ऐसा 3571 और ये 26, इतने इतने यूनिट बन पाएंगे दोनों, ऐसा यही है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ए और बी यूनिट्स बन पाएंगे 3571 और 2619, आर्स कितने लग, सॉरी हमारे पास सीएम कितना है सर, 50 और कितना 178 366, पक्का सही कर रहे हैं लड़का, 5। अब बता हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, तो बता हमारा सीएम 4, यही चल पक्का ऐसा ही है, यूं ही है कुछ। चलो आओ तुम लोग एक सवाल देता हूं, मैं पहले कॉपी कर, 5000 कहां से आए थे सवाल में दिया हुआ, कितने लोगों ने ये खुद से सही कर लिया था, या बाकी लोग क्या कयामत के दिन सही करोगे क्या हैं? जी जी
ठीक है जी, ठीक है जी। नहीं नहीं मैं अभी अभी इसको अपलोड, अभी इसको रीलोड कर देता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू जी। मैं आज ही कर दूंगा, मैं अभी इससे सब बैलेंस ऐड करके रीलोड कर देता हूँ। ठीक है जी। इसमें शायद अभी मेरे पास जी 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 अच्छा चलिए ठीक है, इसको फिर मैं बैलेंस अपडेट कर देता हूँ। आप इसमें रिक्वेस्ट डाल देंगे, जैसे ही मैं अपडेट करूँ बैलेंस वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर ले। ठीक है, नहीं नहीं आज इसको एक्टिवेट कर दे, कोई मसला नहीं है, दो दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल कर दो। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है जी, थैंक यू, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, बड़े हम आगे दोस्त, ये नंबर किसके पास है यार, जरा ये पता करो यार, ये किसके पास है नंबर। बढ़े आगे, चलो जी आओ मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल मैंने तुम लोगों को दिया सेशन के स्टार्ट पे, आप लोगों ने 5% बच्चों ने सवाल को अटेम्प्ट किया, इसके बाद सबकी नानी मर गई। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, अगर अल्लाह ताला ने आपको थोड़ा सा मैथ्स, बेसिक मैथ्स का आइडिया दिया हुआ है ना, तो अब देखो यार मैं ये जब ये करना शुरू किया ना मैंने, तो कुछ लोगों ने यहाँ सवाल पूछना शुरू किए, जब मैंने ये किया हाँ हमने भी ऐसे ही किया, जवाब दोनों से सेम आया, दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलो जी खैर है। यार एक बंदे ने, एक दुकान वाले ने हमारी क्लास की नोटिंग को, बच्चा ले गया होगा उसके पास, उससे पूरी क्लास की नोटिंग पूरी जो है वो कॉस्टिंग के जो है ना कुछ 650 पेजेस जो हमारी क्लास की नोटिंग है पीडीएफ की, वो उठा के छाप दी है। खैर मैं उसको कॉल किया, मैंने कहा यार ये तुमने किसे किसे किसकी इजाजत से किया, तो उससे कहा मुझे लगा आप कुछ नहीं बोलेंगे, मैंने कहा यार कर दो यार, मैंने को पैसे कमाने नहीं है, लेकिन एक दफा बंदा कर्टसी से पूछ लेता है कि यार ये काम कर दूं, मैंने कहा मेरी पतलून लेके घूमे जा रहे हो मार्केट में, पूछो तो सही यार। चलो जी, लेकिन अच्छा बंदा है उसने, खैर मतलब कमा ले यार, हमने कौन सा इससे कमाने पैसे, कंपनी की मशहूरी भी हो गई। अच्छा जी आए जरा दो, जिस सवाल में था क्या, ये कह रहे हैं Z Chemicals Limited produces two joint products, पहली लाइन में ही उस बंदे ने बता दिया कि नीचे जो भी होगा साथ साथ होगा। ठीक है जी, अलग अलग हिसाब किताब नहीं है। वो कह रहा है अल्फा एंड बीटा फ्रॉम अ सिंगल प्रोसेस, बोथ प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड सोल्ड विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग। उसे कहा आराम से दोनों प्रोडक्ट जैसे ही स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आते हैं बिक सकते हैं, कोई फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। Presently, ZCL is considering the following proposals. ये है ICAP का एक typical exam का तरीका, जैसे परिजात ड्रामा चल रहा होता है, ये पहले परिजात के भाइयों का किस्सा चल रहा है, एकदम से जो है ना वो जो बीच में वो छक्का बना हुआ था बंदा, क्या नाम है उसका लड़की का, ठीक है जी, उसके उसका किस्सा शुरू हो गया। और भाई ऊपर तुमने बताया दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, नीचे प्रपोजल भी आ गया। हाँ जी बंद करो यार इसको, क्लास बंद कर ले भाई, सांप है क्या मसला है। बाकी तूने अपना मुंह तो बंद रखा है ना। सॉरी यार तू तो बाहर बैठा हुआ है। अच्छा जी
अब सुनो जरा दोस्त, मसला ये है कि वो कह रहे हैं दो प्रोडक्ट्स बनने, उसके आगे वो चुप, सेंगा कंपनी के पास दो प्रपोजल है, या तो एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी बाय इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट। इसका क्या मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी? जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना थोड़े और बना लो, या क्या करो एक रिफाइनिंग प्लांट ले गया जिसमें अल्फा या बीटा, आइदर अल्फा या बीटा को फर्दर प्रोसेस करके बेचो, दोनों में से किसी एक को, ठीक है जी? ऐसा है? अच्छा जी, दो तीन प्रपोजल हो गए हमारे पास, अल्फा और बीटा को और बना लें, अल्फा को फर्दर प्रोसेस करें या बीटा को फर्दर प्रोसेस, डन। हमने कहा बताओ तो सही अल्फा और बीटा है क्या, कितने बने? उसने कहा टू असेस द अबव प्रपोजल द फॉलोइंग डाटा हैज बीन गैदर्ड, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2014, डायरेक्ट मटेरियल लगा 15,000 रुपए का, किस पे? अल्फा और बीटा दोनों पे। इतनी वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, किस पे? अल्फा और बीटा दोनों पे। अच्छा कितने आवर्स लगे ये बता सकते हो? 489000 डिवाइडेड बाय 230 क्या आ रहा है? 21। इतने आवर्स लगे हैं टोटल पूरे साल में, पूरे महीने में, सॉरी साल नहीं है महीना ही, ठीक है जी, मंथ ऑफ दिसंबर है, ठीक है जी, इस महीने में इतने सारे आवर्स लगे और इससे क्या बना है? फिक्स कॉस्ट को तो छोड़ देना, 11,300 अल्फा बना है, 14,700 बीटा बना है। इसका मतलब है अल्फा और बीटा के इतने यूनिट बनाने के लिए 21,600 घंटे चाहिए, 21,260 घंटे चाहिए, सॉरी, ये इनकी बिल तरतीब सेलिंग प्राइसेस है, ठीक है? वो कह रहे जनाब देयर इज नो प्रोसेस लॉस एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ आउटपुट। ये जॉइंट कॉस्ट है, जॉइंट कॉस्ट कौन सी है? फिक्स कॉस्ट को दो मिनट के लिए अगर इग्नोर कर दूं, ये जॉइंट कॉस्ट किस रेशियो में बढ़ना चाहिए? आउटपुट के रेशियो में। अगर आप आउटपुट के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांटोगे तो अल्फा और बीटा की तो कॉस्ट सेम होगी, सेम ही होगी ना भाई, आप वजन के हिसाब से बांट रहे हो ना यार, अल्लाह के बंदो। नहीं नहीं, पर यूनिट कॉस्ट तो सेम ही होगी ना दोनों की। यार मुझे एक बात बताओ, ये इन दोनों को ऐड करो कितना बनता है? 19,000 समथिंग। किससे डिवाइड करोगे 19,000 को? किससे डिवाइड करोगे? इन दोनों के यूनिट्स ऐड अप करो कितने होते हैं? 26,000 होते हैं। 26,000 होते हैं दोनों के यूनिट मिला के, कॉस्ट कितनी है बेटा? ये दोनों ऐड करोगे कॉस्ट आ जाएगी 19,890। वेरी गुड, इन दोनों के यूनिट ऐड करो कितने बनते हैं? 26,000 पूरे 26 डिवाइड करो कॉस्ट 0.765। इसका मतलब समझ आता है? इसका मतलब ये चाहे यूनिट अल्फा का है चाहे बीटा का है, एक यूनिट की कॉस्ट 76 पैसे। जब भी आप वेट की बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट करते हो सारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है। यार खा खा के बिरयानी यार चना चाट ले आ गई, इसे बगैर दही बड़े डाले, ठीक है ना? दही बड़े नहीं डालना, ठीक है? अच्छा जी सर सुने, एक दफा मैंने एक बंदे को भेजा, मैंने कहा यार दो ऑरेंज जूस पकड़ के ले आओ, ठीक है ना? वो ऑरेंज जूस लेकर आया तो दो की पर्ची अलग दी, एक की पर्ची अलग दी। मैंने कहा ये तीन की पर्ची क्यों? कहता है सर वो मैंने उसको दो बोला था और उसने गलती से तीन बना दिया, वापस नहीं ले रहा था तो एक मैं पी गया। अच्छा अब मैं ये सारी चीजें देख रहा था, मेरी बेगम बैठी हो, बेगम का मेरे दिमाग इस चीज में बहुत चलता है। उसने कहा रुको, ये दो की पर्ची अलग और एक की अलग क्यों बनी? उसने कहा भाई अलग अलग बना दी उसने, मैं क्या करूं? तो बेगम ने कहा कि भाई ऐसे ही तुक्का मारा। उसने कहा जो तीसरा वाला था उसमें बर्फ भी नहीं थी। उसने कहा ना मेरा गला खराब था, मैंने कहा बर्फ नहीं डालो, ठीक है ना? इतना हराम खोर, ठीक है ना? इनको मैं कहता हूँ दही बड़े नहीं डलवाओ, ये ज्यादा डलवा के लाते हैं, मुझे पता है, मैं निकाल के साइड पे रख देता हूँ, ये खा जाते हैं। एक से बड़ा एक फनकार मौजूद है जी, कहता हूँ तो अपने लिए डलवाया मैंने। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरी जॉइंट कॉस्ट को मैं डिवाइड करूंगा तो मेरी पर यूनिट जॉइंट कॉस्ट सेम आएगी?
ऐसा दोनों की सेलिंग प्राइसेस सेम है? नहीं, दोनों की सेलिंग प्राइसेस सेम नहीं है। सारा कहां कहां है सेलिंग प्राइसेस? ये रहा बेटा, इससे सीएम निकाल लोगे, ए का भी सीएम आ जाएगा, बी का भी सीएम आ जाएगा। अब यहां रुक जाओ दो मिनट के लिए, यहां रुक जाओ, नीचे भी देख लो। उसने कहा जब आप एक्सपेंशन फैसिलिटी पे जाओगे आपको एक मशीन खरीदना पड़ेगी, कितने की? 20,000 की है, 20 मिलियन की, जो भी है। उसकी रेजल वैल्यू होगी 1400। सर 250 रुपए एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगी, प्लांट की लाइफ 20 साल होगी। अब सुनो, अब एक प्रॉब्लम है, एक टेक्निकल इशू है। 20 साल की मशीन ले रहे हो और डिसीजन लेना है तुमने एक महीने का डाटा, ये प्रॉब्लम है। अब आप डेप्रिसिएशन को कंसिडर कर लेना रेलिवेंट कॉस्ट, अदरवाइज आप सवाल नहीं सॉल्व कर पाओ। क्यों? आप कह रहे हो भाई मैं एक महीने के डाटा के बेसिस पर डिसीजन ले रहा हूं कि मुझे मजीद 5,000 यूनिट प्रोसेस करने चाहिए, 5,000 आर्स या नहीं, ठीक है जी, और उसके लिए मैं इतनी बड़ी मशीन ले रहा हूँ। वो मशीन जो ले रहे हो वो 20 साल चलेगी, डिसीजन किसकी बेसिस पे ले रहे हो? एक महीने की बेसिस। अब आप यहाँ रेलिवेंट कॉस्ट कंसिडर कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, मुझे बताओ सर कितने आर्स हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? ये कहाँ लिखा है 5,000 आर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये कहाँ लिखे? हाँ जी, ये तो लिखा है एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटीज। फिर कहाँ लिखा हुआ है सर, फिर कहाँ लिखा हुआ है? इन 5,000 घंटों में तुमने मुझे बताना है अल्फा और बीटा के कितने यूनिट बनेंगे मजीद, उनसे कितना एडिशनल सीएम निकलेगा, और उस एडिशनल सीएम के अगेंस्ट फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? मुझे बताओ, अगर मैं 5,000 घंटे लगा दूं अल्फा और बीटा को बनाने पर, जैसे अभी तुमने पिछले सवाल में किया, इलस्ट्रेशन में किया, तो बताओ कंपनी क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगी? शाबाश, मैं इसको जरा सा छोटा कर देता हूं आपके लिए। अब सही, शाबाश, शुरू हो। आपने मुझे ये बताना है कि अल्फा और बीटा के एडिशनल कितने कितने यूनिट बनेंगे इन 5,000 घंटों में, वे यार। मैं कराऊं? चलो जी सर, मुझे एक बात बताएं, इसमें करेंगे क्या? देखिए मेरे पास टोटल 5,000 आर्स हैं, पहले ये बताओ ए और बी की सेलिंग प्राइसेस क्या क्या है अल्फा और बीटा की? 1,000 और 1,125। सर मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल को स्प्लिट करोगे दो हिस्सों में? कैसे सर? 15,000 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल है, इसको डिवाइड करो 26,000 यूनिट से, ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करो 11,300 यूनिट से, ठीक है जी, या एक काम करो सिर्फ 26,000 से डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है पर यूनिट मटेरियल कितना? 0.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1,000 से, क्योंकि सारी कॉस्ट उसमें चल रही है, हजारों में चल रही है। 576.92 पक्का। इसी तरह कन्वर्जन कॉस्ट भी उठाओ 4,890, इसको भी 26,000 से डिवाइड कर दो, हजार से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलिएगा, 188.07 पक्का सर, 576.92 दोनों के लिए, और डायरेक्ट लेबर 188.07। सीएम 235.01, इथे 360, बस सीधा सीधा मट्टी पाओ। चलो दोनों में 0.01 है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास एडिशनल 5,000 कैंटे हैं, 26,000 यूनिट जो है वो 21,000 कितने घंटे थे शुरू में? 21,260, इसमें कितने यूनिट बने? 26,000, तो मुझे बताओ कितने कितना टाइम लगता है एक यूनिट बनने पे? .817, 5,000 घंटों में .817 कितने यूनिट बनेंगे? 6115,
अब इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दो, ए इसमें है 15,300 ओवर 26,000, बी 11,700, निकालो क्या आ रहा है यूनिट्स, 15 कहां से, 26 34 57। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ए मेरे बच्चों, कितने रुपए का एडिशनल सीएम कमाओगे? ये रेशो गलत है, ये 15,300 नहीं है, ओके 11,300 और, तो यार बताओ ना यार, 2 किलोमीटर आगे जाके आगे आ गए आप, आवाज मार रहे हो, गाड़ी गाड़ी पीछे वाली गली में डालना जी, वहीं बता दिया करो भाई, यूनिट सही है, यूनिट यूनिट कैसे सही देखो, अच्छा चलो है क्या रही, ओ भाई हट जा, मल्टीप्लाई करें जी, रिफाइनिंग में करते हैं इसको भी, रुक जाओ सिर्फ 2 मिनट रुक जा भाई, क्या रही है जी बोलो, ये मल्टीप्लाई होगा क्या आ रहा है, 6 to 4, ये 1 to 1, 4, ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, टोटल सीएम नाइन वन, ये अल्लाह तेरा शुक्र है, इसमें से हमने क्या लेस करना है, एक तो हमने डेप्रिसिएशन लेस करना है, अदर फिक्स कॉस्ट लेस करनी है, अदर फिक्स कॉस्ट कितनी है, वो कह रहा है अदर फिक्स कॉस्ट है 250 रुपए, यानी 250 और आगे 3 0, 2.5 लाख, ऐसा, फिर डेप्रिसिएशन वो कितना आएगा जी, सर डेप्रिसिएशन मेरे पास 20 मिलियन की मशीन है, 20,000 रख लो, 1400 उसकी रेजल वैल्यू है, कितने 20 साल की लाइफ, 1 साल का डेप्रिसिएशन निकालोगे कितना, 9,30,000 पक्का, ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन, 77, ये एक मंथ का डेप्रिसिएशन है, क्या आ रहा है 167, 15,41,000 रुपए का टोटल अमाउंट आ रहा है जो आप कमाओगे अल्फा और बीटा के यूनिट्स को प्रोड्यूस करके, पक्का, ये कितने लोगों ने सही कर लिया था, चलो तुम लोग भी एक दफा हाथ उठा लो, मरने से पहले ये देख लोगे, हैं नहीं नहीं नुमान की नहीं उसकी बात, हाँ जी ये मैंने होमवर्क में दिया था, बच्चा कहता है मैं होमवर्क पे यकीन ही नहीं करता हूं, क्या फायदा इतना पैसा भी पे करें और फिर, कोई मसला नहीं हो मुस्तफा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 21260 कैसे आया, ऊपर आया बेटा ऊपर, ये रहा यहां आया था, आपने पूरे साल में इतने रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट पे की है, 230 रुपए घंटे के हिसाब से, ठीक है, चला क्लियर है, चलो जी आगे बढ़ो, सेकंड केस सर रुको, तुम्हारे पास अल्फा और बीटा के कितने यूनिट पड़े हुए, अगर ये 5,000 आर से जो यूनिट प्रोड्यूस हो रहे इसको हटा दें, कितने यूनिट पड़े हुए, 11,300 और 14,700, अगर मैं आपको कहूं कि यार इनमें से कुछ यूनिट फर्दर प्रोसेस कर लो, इनमें से क्या करो, कुछ यूनिट फर्दर प्रोसेस कर दो, बजाय इनको ऐसे ही बेचने के इसको थोड़ा सा रिफाइन करके बेचते, तो आपने कहा रिफाइन करके 576
0.92 भी बता दे यार, मैंने अल्लाह के बंदो तुम लोग क्या भंग भी के पर, मैंने मटेरियल की कॉस्ट को 26,000 यूनिट से डिवाइड किया, ये आ गई पर यूनिट मटेरियल। सर ये 15,000 कहाँ से आया? ये 15,000 यहाँ से आया। सर 4890 को मैंने 26,000, सर 26,000 कहाँ से आया? सर ये मैंने इतने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए अल्फा और बीटा के, ये टोटल निकाला। ठीक है, चलिए सड़े जी, वेरी गुड हसन, वेरी गुड, वेरी गुड जी। चलो मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे, आपको मैं एक फिकर की दावत दे रहा हूं कि आया अल्फा को ऐसी बेच दें कितने में, 1,000 रुपए में, या फर्दर प्रोसेस करके 1380 में बेचे, कितना एडिशनल कमा रहे हो? बीटा को कितने में बेचते थे? 1125 में। इसको एक काम करो 1525 में बेचो, कितना कमाओगे एडिशनल? 400, ऐसा यही है ना, इसको कमा तो लोगे लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग पे खर्चा भी तो आएगा। ये खर्चा है 90 और 68 और 125 और 80, तो आपको मिल जाएगा एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सर कितने यूनिट बनने हैं 5,000 घंटों में अल्फा और बीटा के, प्रोसेस कितने यूनिट होंगे? अब यहां अलग अलग करना है, या तो अल्फा को फर्दर प्रोसेस करना है। भाई ये कह रहा है जनाब गौर से देखो, 68 रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट आती है अल्फा की, अल्फा की 68 रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट आती है, एक घंटे में 150 रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट लगती है। ये बताओगे अल्फा कितने घंटों में बनता होगा? अगर अल्फा को हम 68 रुपए की कॉस्ट देते हैं और एक घंटे में 150 रुपए की कॉस्ट आती है, तो बताओ अल्फा पूरे घंटे में बनता है? नहीं सर, एक घंटे में बनता तो 150 रुपए कॉस्ट होती, आधे घंटे में बनता है, आधे घंटे में बनता तो 75 रुपीज की कॉस्ट होती। कितनी कॉस्ट आ रही है? 68 डिवाइड बाई 150 करो पॉइंट, इसका मतलब है अल्फा के एक यूनिट पे इतने घंटे लगेंगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, बीटा पे 0.53, इतने घंटे लगेंगे इसको फर्दर प्रोसेस करने में, 5,000 घंटे। या तो अल्फा को प्रोसेस कर लो या बीटा को प्रोसेस कर लो, मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट होगा अगर मैं अल्फा को प्रोसेस करूं या बीटा को प्रोसेस करूं? शाबाश, नहीं नहीं देखो उसके पास, सना के पास काम है शायद बहुत सारा, तो एक काम ये कर लो जो नया नई हमने बंदी रखी है ना उसको दे दो ये सारा काम, ठीक है उसको दे दो, वो स्टूडेंट भी है एटीटी के और आराम से मैनेज भी कर लेगी। सर मेरे बच्चे देख लो, तो मैं एक्सेस मिल गया तो मुझे रिप्लाई कर दो। नहीं नहीं यार ये काम तुम्हारा नहीं है, तो तुम तो गुड फेथ में कर देते हो लेकिन तुमसे और काम काफी सारे लेने, ये काम इन्हीं से करवाना है मैंने। जी क्या है मेरे बच्चों बताओ? 0.5 कितना? यहां देख लो मैं इसको करवाता हूं। प्यारे बच्चों है, प्यारे बच्चों है, बच्चों एक तरफ हमारे पास अल्फा है तो दूसरी तरफ बीटा, नहीं है बीटा है। सर मुझे बताएं एडिशनल सेलिंग प्राइस, एडिशनल सेलिंग प्राइस 380, ये आया सर 1380 माइनस
एक हजार, ये कहां से आया? सवाल में देख, ऊपर देख। आजकल एक नया फैशन आया हुआ है ना, आप लोग लेक्चर वेक्चर तो साइड पे कर दिए, आप पीडीएफ उठाया वही सर्कल करो। टीचर बाप का नौकर है, वो कहीं से भी खुद उसको पता होना चाहिए मैं इसमें क्या सोच रहा हूं और मुझे क्या सोचना चाहिए। ठीक है जी, ये मैंने यहां लिख दिया। फिर आगे बढ़े हम दोस्त। अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है सर? वेरिएबल कॉस्ट 90 और 68 कितने होते हैं? ये दोनों मिला के 158 होते हैं। और ये कितना आया सर? 120, 125 और 80। दो सौ और ये 195। अब सवाल है मेरा, अल्फा और बीटा कितने घंटों में बन जाने चाहिए? पॉइंट, ये 0.45 ऐसे आया कि 68 डिवाइडेड बाय 150। बी 0.53 ऐसे आया कि 80 डिवाइडेड बाय 150। यूनिट्स कितने बनेंगे सर इसके? सर 5000 डिवाइडेड बाय 0.45 और 5000 डिवाइडेड बाय 10 ना, क्या बात, 110293। मैं एग्जामिनर होता ना तो मैं ये जो वैल्यू आती ना, ये वो वैल्यू निकालता जो अल्फा के ऊपर जो गिवन यूनिट्स है ना उससे ज्यादा होते। 11,029 यूनिट अल्फा के, इतने यूनिट बने भी हैं नहीं बने? आप कह रहे हैं मैं फर्दर प्रोसेस करूंगा, तो पहले तो बनाना भी है ना उसको, तो इस फर्दर प्रोसेस करने के लिए यूनिट बने हैं। ऊपर जाके चेक करो अल्फा के कितने यूनिट बने। 11,300। हाँ सर 11,029 यूनिट हम प्रोसेस कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। बीटा के बन गए इतने ही यूनिट्स। हाँ? ये एक काम करो, 68 को जरा 150 से डिवाइड करो, मुकम्मल 0.45 कोई मसला नहीं। चलो आप बताओ टोटल सीएम कौन सा? 93। अब एक काम करो जरा मल्टीप्लाई कर दो इनको रिस्पेक्टिव सीएम पर यूनिट से, क्या आ रहा बेटा बोर्ड पे देख लो। 244 84, ये 81। अभी भी हमारा डिसीजन पूरा नहीं हुआ, हमने इसमें से क्या लेस करना है? फिक्स कॉस्ट और डेप्रिसिएशन। फिक्स कॉस्ट ऊपर जाओ कितनी है? कहां लिखा 5,00,000। अब सुनो इसमें से कितनी लेस करूं और इसमें से कितनी, किस रेशो में दौड़ू 5,00,000 को? सर ये अलग अलग ही 5,00,000 आएंगे, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं पूरा इसको फर्दर प्रोसेस करूं या इसको फर्दर प्रोसेस करूं, तो 5,00,000 दोनों में से लेस होंगे, दोनों में से कोई एक काम होगा। डेप्रिसिएशन 92,500 पक्का? आपने ये ऐसे किया होगा कि आपके पास 25,000 माइनस 2,800 डिवाइडेड बाय 20 साल कितना आया, मल्टीप्लाई बाय 1/12 भी कर दो कितना, 9,000 करें प्रॉफिट बताएं कितना आ रहा है। 18, ये
सिक्स। एक बात बताओ, मेरे पास तीन ऑप्शन है, या तो अल्फा बीटा बनाओ, क्या कमाओगे? अल्फा बीटा बनाओ ये कमाओगे, या अल्फा को थोड़ा चमकाओ, या बीटा को चमकाओ, क्या करें? अल्फा को चमकाए ज्यादा बेहतर है, सर पक्का जी? ये कॉपी कर लो सर, जूम आउट, आउट ब्रेक मिल जाएगा प्लीज, अभी तो क्लास शुरू हुई है यार। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। हम जाके एक ब्रेक लेते हैं, और 12:58 हो रहे हैं, 25 मिनट का ब्रेक है आपका, आप इसमें नहाएं धोएं जो भी करना है, उसके बाद आप वापस आ जाएं, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। सलाम अलैकुम जी, मेरी आवाज आ रही है? होपफुली आ रही होगी। अच्छा जी, चले जी सर, रेलेवेंट कॉस्ट निकाल के दें इसकी, शाबाश, शुरू हो जाए। ठीक है अहमद, मैं कर देता हूं। चलो जी मेरे बच्चों, इसका मटेरियल इंतहाई आसान है, मैं करा दूं डायरेक्ट, ही करो। अच्छा जी, मैं अभी भेज देता हूँ प्यारा भाई।
चलो जी मैं करा दूं, उसको कराऊं, इसके बाद मैं दो सवाल और कराने, थोड़े लेंदी है तो मुझे ये थोड़ा सा है? अच्छा टाइम दूं। ये किया हुआ हमने पक्का। हाँ जी दो मिनट रुक जा बेटा, सबर अली। जी मैं कराऊं? अच्छा आपको टाइम चाहिए होगा थोड़ा सा, नीचे कर दें, ऊपर वाला काम तो कर लो पहले, मटेरियल हो गया। जी आइडल आर्स अगर कुछ भी ना लिखा तो अज्यूम करना कि फुली पेड है, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखा है फिर इग्नोर करना है ना, क्योंकि वो कॉस्ट है जो डिसीजन से पहले इनकर हो चुकी है। हाँ 1,00,000 रुपए जो इंक्रीज हो रहे थे। मैं करा दूं? हाँ जी हाँ। देखो जरा दोस्ती, एक आसान था सवाल था, लेकिन नहीं करा था तो आप कहते हो जी पास्ट पेपर का सवाल नहीं हुआ, ठीक है जी। तो मैं कोशिश ये कि जितने अपने एरिया में आ रहे हैं सभी करा दें, ठीक है जी। ये इंतहाई आसान सवाल है, आई विल बी वेस्टिंग योर टाइम बट आई वुड लाइक टू डू दैट। सर ग्लोबल लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स प्रिपेयरिंग बिड डॉक्यूमेंट फॉर अ स्पेशल ऑर्डर। ये स्पेशल ऑर्डर क्या होता है? खास ऑर्डर नहीं, स्पेशल ऑर्डर का मतलब यह है कि आपकी रूटीन एक्टिविटीज से हट के ही, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ये आईटीटी में पढ़ाते हो सीए,
एक बंदा आ जाए भाई मुझे ओ लेवल्स ए लेवल्स पढ़ना है, तो आप उसके लिए अलग से टाइम निकाल लो, ठीक है जी। तो स्पेशल ऑर्डर का मतलब है आपकी रूटीन एक्टिविटीज से ये एडिशनल है, ये एडिशनल है, ठीक है। और मे बी एक ऐसा प्रोडक्ट भी बनाने को कह दे जो आप रूटीन में नहीं बनाते हो, ठीक है जी। 5000 यूनिट आपने बनाने जीटा के। इन दिस रिस्पेक्ट जीपीएल्स टेक्निकल डिपार्टमेंट हैज वर्कड आउट द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस। सर ऑर्डर कंप्लीट होने में 15 दिन लगेंगे, ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि नीचे लेबर की कहानी इस 15 दिन से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर जीपीएल हैज सफिशिएंट स्टॉक रिक्वायर्ड ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर प्रोडक्ट जी, द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर। हमने जी के लिए अपेरेंटली मार्केट से कुछ नहीं खरीदना, वो कह रहा है सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। वो देखते हैं कि अभी जरूरत है या नहीं। मटीरियल है 5000 केजी चाहिए, ये जब हमने खरीदा था 180 का था, अब 200 का हो गया है, एनआरवी 100 रुपए की है। मटीरियल ए इज यूज बाय जीपीएल इन मैनी प्रोडक्ट्स। जब ये वो बात कह दे ना यूज इन मैनी प्रोडक्ट, तो ये रेगुलर यूज हो गया, फिर कहानी खत्म हो गई आगे। फिर मटीरियल ए कितना बाबू? 5000 इंटू 3000 के जी, 150 रुपए का खरीदा था किसी जमाने में, अभी 175 गया, बेचू तो 135 का। मटीरियल बी हैज नो अदर यूज देन प्रोडक्शन ऑफ जीटा, स्क्रैप एनआरवी इनटू कितना? 10 rupees या legislation जी। ये तो negative आएगा सर, कितना जी? 2000 into 10 rupees बचेंगे, 2000 into 10। आप कंपनी के लिए 20,000 रुपए बचा रहे हो अगर आप ये कचरा इस प्रोजेक्ट पर डाल दो, ठीक है जी। फिर लेबर 800 स्केल डार्स चाहिए, स्केल डार का रेट कितना? अब सुनो, वो कह रहा है हमारे पास 1440 घंटे मौजूद होते हैं हर महीने, फारिग फुली पेड आर्स 1440, तो हमें तो 800 चाहिए। मसले 1440 पूरे महीने के, ये ऑर्डर 15 दिन चलेगा, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दे तो कितना आ जाएगा? 720 आइडल पड़े हुए, हमें चाहिए कितने? इसका मतलब है 800 घंटे अगर आपको चाहिए और 720 आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो सिर्फ आपको स्किल्ड लेबर 80 घंटों का चाहिए। 800 घंटों में बाकी के घंटे कहां से आएंगे जी? सॉरी सर, ये 200 वाला दोबारा बता दे बेटा, हमारे पास ना 2000 केजी का जहर बड़ा हुआ है, ठीक है। ये किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। हमने सोचा इसको बेचें, पता चला नहीं बिकेगा, कचरा है भाई, कौन खरीदेगा, ठीक है जी। जहर है ये, हमने बंगी बुलवाया, हमने कहा इसको उठा के बाहर फेंकवाना है, बंगी ने कहा मैं 10 रुपए किलो के हिसाब से लूंगा, ठीक है जी। अब बताओ कंपनी का खर्चा होने वाला है 2000 का, 2000 into 10 20,000 का खर्चा होने वाला है। एक प्रोजेक्ट आ गया उस पर यह जहर इस्तेमाल हो सकता है, हमने कहा यार ये प्रोजेक्ट नहीं आता हमारा तो लॉस हो जाता कितने का, तो इस प्रोजेक्ट की वजह से 20,000 रुपए का खर्चा बच गया, तो मैंने इसलिए इसको नेगेटिव में लिया। अब बताएं स्केल्ड के बाद 250 घंटे अनस्केल्ड है, ये 120 रुपए पर आर के हिसाब से चाहिए, तो सीधा सीधा ले लो, कितना? 30,000। फिर उसने कहा हमें एक मशीन चाहिए होगी 150 घंटे के लिए। इफ द मशीन इज नॉट यूज्ड ऑन जीटा इट वुड बी लीज्ड आउट एट 4,000 रुपए पर डे। पड़ी हुई हमारे पास मशीन, ऑलरेडी पड़ी हुई, आप चाहो तो यूज कर लो, डेप्रिसिएशन तो वैसे ही लग रहा है। अगर आप यूज नहीं करोगे तो ये हम रेंट पे दे देंगे। अब बताओ सर, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को शुरू करता हूँ तो मैं 4,000 रुपए डेली का रेंट लूज कर रहा हूँ, ऐसा रेंट लॉस्ट 4,000 into कितने? यही चाहे। फिर वो कह रहे जीपीएल एब्जॉर्ब 400 रुपए का
एक मिनट वहीं रहो। ठीक है। हाँ 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 चलो, लेकिन इसकी तबीयत मॉनिटर करते रहो, ठीक है? चलो ठीक है ओके। चलो कल ले जाएंगे, कोई मसला नहीं, कल मैं साथ चला जाऊंगा, ठीक है? ओके ठीक है, चलो सही, ठीक है ओके, हाफिज जी। अब बताओ जी, वो कह रहे 400 रुपए के ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स मतलब वेरिएबल और फिक्स दोनों की बात हो रही है, पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर्स। ये पहली दफा एग्जामिनर ने यह हरकत की, आमतौर पर स्किल्ड आवर्स से कनेक्ट कर देता है या अनस्किल्ड आवर्स से कनेक्ट कर देता है। ये कह रहे स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड आवर्स। बताओ इस प्रोजेक्ट पे कितने टोटल घंटे लगेंगे? आठ सौ और 250। मशीन लेबर नहीं है भाई, कितना? 800 और 250 कितने? 1050 घंटे लग रहे हैं इस मशीन पर। डन, 400 रुपए के हिसाब से ओवरहेड एलोकेट होता है, हमें फिक्स ओवरहेड नहीं चाहिए। वो कह रहे बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50,000 आवर्स फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 6 मिलियन। कंपनी के फिक्स ओवरहेड्स कितने? 6 मिलियन। कंपनी ने पूरे साल में कितने आवर्स का काम करना है? 50,000 घंटे का। ओ आर बताओ कितना है सर? 120 है ओ ए आर पर आर, ऐसा। अब बताओ हमारे पास 400 रुपए का ओवरहेड है पर आर, इसमें से 120 हमने क्या निकाल दिया एफ ओ एच का ओ ए आर, क्या रहेगा सर? 280 पर आर। ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल ओवरहेड्स। अब बताओ हमारे पास आर्स कितने हैं? 10। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1050 घंटे इंटू 280, यही चाहे सर। फिर वो कह रहे भैया इफ GPL decide to produce Zeta, fixed overheads would increase by 1.5 lakh। आपको नया कोई fixed overhead incur करना पड़ेगा, ये हमारे लिए relevant है। Incremental fixed specific overheads 1.5 lakh। Done। फिर वो कह रहे हैं as a result of beta, general admin cost would increase by 1 lakh। कुछ chartered accountant आपको रखना पड़ेगा। Additional fixed overhead चाहे किसी भी नाम से हो वो relevant है। फिर वो कह रहे हैं भैया हमने 20,000 रुपए इंकर किए हैं फिजिबिलिटी बनाने के लिए, इसीलिए फिजिबिलिटी बनाने के लिए, तो क्या ये रेलेवेंट है? नौमान ने किसी के घर रिश्ता भेजा तो लड़की के बाप ने एक डिटेक्टिव को पैसे दिए कि पता करो भाई ये इंसान कैसा है। तो डिटेक्टिव ने जो है वो सारा हिसाब किताब बना के एक रिपोर्ट बनाई, लड़की के अब्बा को दे दी। अब उन्हें डिसाइड करना है कि नौमान को रिश्ता दें या ना दें। अब दो या ना दो डिटेक्टिव का खर्चा तो हो गया। ऐसा डिटेक्टिव ने कहा भाई ये इससे ये बंदा सुनिए, ये बंदा खुद कहता है कि ये आदमी नहीं है क्योंकि इसका नाम है नो मैन। मजाक कर रहा हूँ भाई, है ना? यू लिखता है, नो लिखता है, हाँ? स्पेस वक्त के साथ बन जाता है दो पेपर दे आई क्या आपके? चलो जी, कितना? यही चाहे क्या हम आगे बढ़े? किसी को इसमें को मसला, पंचायत, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम है, इशू क्या जी? हाँ, मसला सारा ये कि खुद करने बैठो सॉल्व नहीं होता ना, देख लो सॉल्यूशन, दोबारा अटेम्प्ट करते उसको, ठीक है? करते जाते मैं अपने मॉड्यूल एफ का आखिरी पेपर दे रहा था बीएफडी का, कौन सा? लास्ट पेपर,
एक ही पेपर था मेरा, और मुझसे उस वक्त भी अगर मैं 10 सवाल शुरू करता था 9 नहीं होते थे सॉल्व, ठीक है जी, एक सॉल्व हो जाता था, ठीक है जी। अगर किसी बंदे से कोई सवाल 50% से ऊपर सॉल्व हो रहा है, यूज ऑन द ट्रैक, तो मसला नहीं, 50% सही करोगे उसके नंबर मिल जाएंगे, 50% गलत करोगे उसकी वर्किंग के मार्क्स मिल जाएंगे, गेम क्लियर हो जाएगा। एक बंदा हाथ ही नहीं डालता सवाल को, सवाल का साइज देख के उसकी हालत टाइट हो जाती है। अब एक बंदे ने सवाल देखा, यार इसमें तो टेबल भी बने हुए हैं, बुलेट अलग है और पॉइंट्स अलग हैं, ये भाई बजा देगा ये सवाल, पढ़ा नहीं उसने सवाल, इंतहाई हल्का सवाल, ठीक है जी। यार मैं इसीलिए बोलता हूँ, थोड़ा सा अल्लाह के वास्ते थोड़ी सी हिम्मत किया करो, ठीक है ना। मैं तुम्हें अभी एक सवाल दिखाता हूँ, 2.5 पेज का क्वेश्चन है, CFIL का 2.5 पेज, एक पेज दूसरा पेज और बराबर वाला आधा पेज, ठीक है ना, 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 38 नंबर का सवाल, पूरे पेपर का सबसे आसान तरीन सवाल है। लोग हैं फंसते हैं उसके अंदर। यार अभी मैं एक चीज और बताता हूँ, मैंने एक सवाल दिया क्लास में अभी रिसेंटली, ठीक है, ये सवाल है, इसका नाम है ताहिर लोदी, ठीक है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है BFD का, ठीक है, ये ताहिर लोदी का सवाल है, ये चले जा रहा है, कितने मार्क्स का ये, 27 नंबर का, ठीक है, 27 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। अब ये इसका सोल्यूशन है, वहां मैं कराता ही एक्सेल पे हूँ, ठीक है, ये इसका टोटल सोल्यूशन है छोटा सा, लेकिन ये सवाल आसान है, बहुत आसान सवाल, लोगों के नंबर देख के और सवाल का साइज देख के बिल्कुल सही का सामने तो मुंह ही खुलेगा, ठीक है जी। हाँ यार, अच्छा सवाल कर लेते हैं ना सर, अगर इसमें टैक्स होता तो, अब चौड़े हो रहे हैं, अगर इसमें टैक्स होता तो फिर सर, अगर ये ऐसे लिखा होता, भाई जो दिया उसने वो देख लो यार, ठीक ठाक लंबा चौड़ा सवाल है, इसमें पहले 1 साल के कैश फ्लो ड्राफ्ट करने हैं, उसने कहा एक अस्पताल है, उसमें प्राइवेट वार्ड है, सेमी प्राइवेट वार्ड है, जनरल वार्ड है, ICU है, उसने कहा OPD से भी कमाते हैं, लैब से भी कमाते हैं, जो बाहर मेडिकल स्टोर है उससे भी कमाते हैं, सबसे कमाते हैं, फिर हम कॉर्पोरेट्स को डिस्काउंट देते हैं, फिर गरीब गुरबा के लिए 25% का जो है वो 25% इलाज फ्री है, उस इलाज के लिए हमें एक चैरिटी सेटअप लगाना पड़ता है, डोनेशन के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है, ठीक है जी, फिर एक NGO है उससे हमारा अग्रीमेंट हो गया कि वो 8 मिलियन तक का लॉस जो है वो अगर इसके अंदर आएगा वो देगा, बाकी का लॉस हमारी जेब पे आएगा, हमारे बोर्ड ने कहा है कि जी इतने इतने परसेंट रिटर्न आपने कमा के देना है, मार्केट में बाकी के हॉस्पिटल्स का रिटर्न ये है, ठीक है जी। यार सवाल करोगे, लेकिन सवाल है आसान, अटेम्प्ट करना है बस, ठीक है जी, मुश्किल नहीं है, हैं? हाँ BFD में ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत सारे सवाल है, ठीक है ना, लंबे लंबे सवाल हैं, छोटे छोटे जवाब हैं। कहाँ गया भाई, कौन से पदे जी, बड़े हम आगे, अब आओ एक छोटा सवाल और, ये हमने कर लिया था ना, फिश प्रोसेसिंग कंपनी, ये मेरे ख्याल में हमने कर लिया क्लास में। अरे शोहर यार, मेरे ख्याल में मैंने कर लिया, मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ, आज ही अमीन हो गया, चलो जी आओ जरा सवाल करते हैं सर। ये जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स प्लस डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, सुनो दोस्त, सुनो प्यारे भाई, बोर्ड पे देखिए सर, ये सवाल एक आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, मैं चाहूंगा कि इसको आप खुद अटेम्प्ट करो, ठीक है।
सवाल लंबा चौड़ा है, लेकिन लंबा चौड़ा भी नहीं है, छोटा सा सवाल है, आसान है, ठीक है। मैं इसको रीड कर देता हूँ आपके लिए। ये कह रहे जनाब, अ फिश प्रोसेसिंग कंपनी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज ऑल द फिश कॉट बाय अ फिशिंग वेसल। सर, एक कश्ती जाती है समंदर में, मछली पकड़ के आती है, वो सारी की सारी मछली एक ही कस्टमर खरीद लेता है, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का, ठीक है जी। अब हम मछली पकड़ के आते हैं, बेच देते हैं मछली एक ही कस्टमर पे, ठीक है जी। द प्रोसेसर रिमूव्स द हेड एंड स्केलेटन विच आर वेस्ट। प्रोसेस वन, प्रोसेस वन क्या है? मछली ली, मुंडी और दुम निकाल के, कचड़ वचड़ निकाल के उसके अंदर किसको दे दिया हमने? कस्टमर को दे दिया। हमारा प्रोसेस यही है, मुंडी और दुम और बीच के छिछड़े, क्या जी? हाँ ना, वही बीच में जो छिछड़े उछड़े सारे निकाल के हमने उठा के दे दिया, ठीक है जी। सुनो 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 सुनो, एंड इज देन एबल टू सेल द फिश फिलेट्स विच रिमेन, ठीक है जी। बस वो दरमियान में जो मछली बच गई है वो हम बेच देते हैं, ठीक है जी। द वेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 40% ऑफ द वेट ऑफ द फिश, ठीक है जी। बॉट एंड सोल्ड एट 30 पैसा पर किलो फॉर एनिमल फूड, ठीक है जी। ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, एक मछली में 40% क्या निकलता है? वेस्ट निकलता है, ठीक है जी। और 40% वेस्ट बिकेगा कितने में? 30 पैसा में, ठीक है जी। द फिश फिलेट्स आर इंस्पेक्टेड फॉर क्वालिटी एंड 3 कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड, स्टैंडर्ड, स्पेशल और सुपीरियर। 3 किस्म की मछली निकलती है, कुछ अच्छी होती है, कुछ बहुत अच्छी होती है और कुछ बस नॉर्मल होती है। हाफ ऑफ द कैच इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, 50% क्या होता है? ये स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। फिर ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? 50 है रिमाइंडर। वो कह रहे इसका देयर इज ट्वाइस एज मच स्पेशल एज सुपीरियर। अब यहीं पे घूम गए अंग्रेजी समझ, ट्वाइस एज मच एज, अब सुनो उर्दू जुबान में वो कह रहे जनाब, ऑफ द रिमाइंडर देयर इज ट्वाइस एज मच स्पेशल, स्पेशल डबल है सुपीरियर के मुकाबले। समझ आए? 2:1 के रेशियो में 50% तोड़ दो, 33.33% ये आ गया और सुपीरियर 16.67% आ गया, पक्का? अच्छा जी चलें। फॉर वन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड द वेसल कंटेन्स 36,000 किलोज ऑफ होल फिश एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 1.50 रुपए पर किलो, ठीक है जी। Irrespective of quality, हम खरीदते हैं सर वो जो उर्दू जुबान में हम कहते हैं ना लाट के हिसाब में। आप पूरा जो है वो 36,000 केजी मछली उठा लेते हो कितने में? 1.5 रुपए में। उसमें आपका नसीब, ये निकले, ये निकले, ये निकले या केकड़े निकले, ठीक है। अब बनाए सर, द लेबर फॉर प्रोसेस वन इज 28,000 फॉर दिस क्वान्टिटी, 28,000 का लेबर लगता है हमारा मुंडी और ये दुम काटने में, ठीक है जी। एज एन ऑल्टरनेटिव, as an alternative sale to fresh produce, the fillets of the fish may be cooked and coated in bread crumbs, ठीक है जी। आप वो ब्रेड क्रम्स में लगा के इसको मस्त तेल में फ्राई करके, the process of cooking and fillets and coating them in bread crumbs cost 10 पैसा पर किलो material and 60 पैसा पर किलो लेबर। चाहे मछली स्टैंडर्ड हो, चाहे सुपीरियर हो, चाहे स्पेशल हो, ब्रेड क्रम 10 पैसे के लगेंगे और तेल सारे मछली एक ही तेल में घुसेंगी तो सारी के सारी कॉस्ट सेम है फॉर द प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर उसने कहा जनाब हम फ्रेश को इस रेट में बेच सकते हैं और मस्त तेल में फ्राई करके इस रेट में बेच सकते, ठीक है। आपसे फिर वो पूछ रहा है, प्रोसेस वन में ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 1/3 ऑफ दीज आर वेरिएबल। इन प्रोसेस टू 180% ऑफ लेबर कॉस्ट हमारे पास ओवरहेड होता है, 1/4 इज वेरिएबल, ठीक है। 2 मिनट के लिए रुको, सबसे पहले मुझे एक बात ये बताओ, 2 मिनट के लिए मुझे कॉस्ट एलोकेट करके दो, किस बेसिस पे? वेट की बेसिस पे और किस बेसिस पे? मार्केट वैल्यू की बेसिस पे, ठीक है जी। किसकी कॉस्ट एलोकेट करके दो? प्रोसेस वन की। प्रोसेस वन में है क्या? मछली खरीदी, मुंडी और दुम ये निकाले, छिछड़े निकाले, 40% कचरा बेच के आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। खर्चे कितने इधर? 3, मछली का खर्चा, लेबर का खर्चा 28,000 और ओवरहेड्स नीचे दिया, ठीक है जी। ओवरहेड्स टोटल, पहले जॉइंट जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करो, जॉइंट कॉस्ट में सब आएगा ना। डिसीजन लेते हुए आप क्या करोगे? फिक्स को इग्नोर करोगे,
सबसे पहले तो आपसे कह रहे हैं कि ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करके दे दो, पहले बताओ ज्वाइंट कॉस्ट है कितनी। एक तो मटेरियल है मछली 36,000 × 1.5 रुपया किलो, 54,000 रुपए की तो आगे मछली, फिर आपने कसाई को पैसे देने कितने, फिर आपने ओवरहेड्स वो कितने, वो कह रहे 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर, कितना अब ये आपकी टोटल कॉस्ट है, इसमें से एक चीज माइनस होनी है वो क्या, 40% ऑफ वेट, कितना ये कितना 1-1। अब इसमें से हमने लेस करना है स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस या बाय प्रोडक्ट आप कह लो कुछ भी कह लो, कितने हजार केजी है सर आपके पास, 36,000 केजी का 40% मुंडी और दो में मल्टीप्लाई बाय 30 पैसा 300। अब बताओ हमारी टोटल नेट जॉइंट कॉस्ट कितनी है, 111। अब ये आपने एलोकेट करनी है किसमें, सुपीरियर स्पेशल स्टैंडर्ड ऐसा, इन तीनों में आपने एलोकेट करनी, किस किस रेशियो में, वेट की बेसिस पे भी और मार्केट वैल्यू की बेसिस पे भी, शाबाश ये तो एलोकेट करके दे दो। हाँ वेट कहां दिया हुआ है, वेट के लिए उसने आपको रेशियो दिया है 36,000 केजी में से 40% लॉस निकालने के बाद आधी मछली स्टैंडर्ड, ठीक है जी। हाँ जी हाँ देवी प्रसाद है, क्या नाम होता उसका, बाबू राव के पास जिसकी कॉलिंग आती है देवी प्रसाद। हाँ जी क्या लिखा हुआ है, मुझे अभी भी तेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ एक ट्रक जो आता है ना उसमें 36,000 किलो मछली होती है, ये एक पीरियड में एक ही वैसल आती होगी, ठीक है ना, एक पीरियड में एक मछली आती है, मे भी एक पीरियड एक महीना हो एक हफ्ता हो हमें नहीं बताया उसने, ठीक है ना। तो उसका नाम होता है स्टार फिशरीज, देवी का प्रसाद मंदिर मेरे बाबा, ये गैराज है गैराज। Thank you.
जी मेरा बच्चा, हाँ कच्ची घी लोगे ना, अभी तो पकाया थोड़ी तुमने। चलो जी मैं कह रहा हूं, अच्छा जी यार मैंने ना दो क्वेश्चंस वो दिए हैं उसमें, ये मैं भी आपको दे देता हूँ, दोनों के लिंक्स हैं इस पे प्रोसेस के। सर मेरे पास नॉर्मल लॉस, सर इनपुट का नॉर्मल लॉस है सर मेरे पास 10%, which is apparently 12,000 का 10% would be 1200, सर इसका मतलब है मेरे पास कुछ abnormal loss बच रहा है। ये देख लीजिएगा भाई, ठीक है ना, एक सवाल ये प्रोडक्ट जो कॉस्ट लगी है सर, ये यहाँ नंबर लिखा हुआ सवाल में दी हुई है सर, 1542017, ठीक है। और अब बताया मैंने कॉस्ट पर यूनिट निकालने, इसको मैं किससे डिवाइड करूँ, 3400 मुकम्मल यूनिट्स ईपीयू बना ले, 3400 मुकम्मल यूनिट्स प्लस हम खुद ही करते हैं क्यों? अच्छा मैं आज तक ये समझता था कि वो पूछता है कि इसमें कोई एडल्ट कंटेंट तो नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं, बच्चों बच्चे भी देख सकते हैं, मैं इसलिए नीचे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा अच्छा मैं आज तक यही समझता था, मैं तभी उसको कह रहा था बच्चे भी देख सकते हैं। हाँ? नहीं नहीं बाकी तो मैं बता रहा हूँ, मैं समझा वो बात होगा। चलो जी तो बात बच्चों वाले पे नहीं क्लिक करें हैं, अब बच्चों वाले पे क्लिक ना करें पक्का। चलो ठीक है, नहीं मैंने वाकई अल्लाह की कसम ये सोच के किया हमेशा, ये शायद ये पूछता होगा भाई, बाज औकात आपको वीडियो बोले तो पूछता आपसे ना, आप 18 साल की को वायलेंस वाली वीडियो होती, ठीक है ना। तो अच्छा चलो आओ जरा दोस्त, गुड फेथ में हम काम कर रहे हैं यार, और पता चला कि गलत हो रहा है। यार एक बात बताओ, 11 सुनो सर, प्लीज प्लीज बोर्ड पे देखो, प्लीज बोर्ड पे देखो मेरे बच्चों, आपने नेट प्रॉफिट निकाल के देना है। सुनो ये जॉइंट कॉस्ट है, इसको एलोकेट करना है किसमें, वेट कितना है हमारे पास, 36,000 केजी है, इसका 60% काम का है, 21,600, इसमें आधा सुपीरियर, आधा सॉरी स्टैंडर्ड, कितना 10,800, फिर 33.33% स्पेशल 7,200 और सुपीरियर, चलो जी स्टैंडर्ड स्पेशल और चलो जी प्लीज बेटा, चलो जी मेरे बच्चों इस रेशियो में जरा इस कॉस्ट को तोड़ दोगे, जॉइंट कॉस्ट
11,000 सर 1,11,280 को इस रेशियो में तोड़ दो, 55 37 185, ये आगे सर मेरे पास जॉइंट कॉस्ट किस बेसिस पे। अच्छा अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्लीज बोर्ड पे देखो हमारे पास है कौन कौन सा, स्टैंडर्ड, स्पेशल और सुपीरियर। प्यारे बच्चों मेरे पास सेल्स कितनी है, यूनिट कितने सर, 10,800, 7,200 और इनको मल्टीप्लाई करूं किससे, रेट से, तो 10,800 को किससे मल्टीप्लाई करूं, आपकी एक टेंडेंसी होगी 7.5 पे जाने की, इसने उल्टे दिए हुए रेट्स, इसने सुपीरियर को ऊपर दिया हुआ, स्टैंडर्ड को नीचे दिया, ठीक है जी, देख के गलती नहीं करना। 4 × 10,800 कितने, 43। ये आ गई हमारे पास सेल्स, भैया इसकी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, 55,640। क्या आ रहा सर, हमारे पास लॉस आ रहा, डायरेक्ट परसेंटेज से भी मल्टीप्लाई कर सकते, जैद कोई मसला नहीं। क्या रही, 12,440 का लॉस। फिर इधर इधर सेल्स कितनी है स्पेशल में, 6.80 रुपए इंटू 7,200 कितना, 48। और हमारी कॉस्ट क्या बच रहा है, 810। फिर सुपीरियर 870 सर मेरे पास, सुपीरियर सर 7.5 × कितने जी, 3600 कितने, कॉस्ट 8,400। यार एक बात बताओ, आपको मैंने एक वीकनेस बताई थी जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन ऑन वेट बेसिस की, कि जब आप वेट की बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट करते हो, गधे घोड़े सबको आप वजन के हिसाब से कॉस्ट एलोकेट कर लेते, जिसमें कुछ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट निकलते हैं बाकी, याद आ रहा है, इस पर अगर एक क्लाइंट की थ्योरी लिखने को आ जाएगी लिख लो। अच्छा अब उसने कहा दूसरा तरीका ये कि यही ज्वाइंट कॉस्ट आप एलोकेट करो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, डन। अब बताओ ये कॉपी करना है तो हम आगे बढ़े एक स्टेप, सर ये आसान सवाल है, इसके बाद एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है वो करना है हमने, जल्दी कर लो सुशांत। हाँ जी सभी, तुम लोगों के साथ आकाश FAR1 के रिवीजन को लेके चल रहा है, मैं तुम लोगों के साथ कॉस्टिंग में लेके चलूंगा चीज़ों को, ठीक है जी। और MFA के लिए अब मैं रोज कल परसों से 1 घंटे की क्लास लगाऊंगा शाम में ऑनलाइन, ठीक है, उसमें फिर जो सवालात मैं दे दूंगा तो दे दूंगा। ऑडिट का क्या सीन है, ऑडिट की भी लगा दूं क्या यार, ऑडिट तो मतलब इतना कर लिया कि वो सुकून से हो सकता है तुम लोग यार, ऑडिट तो मतलब इतना डिटेल में तुम लोगों ने कवर कर लिया, वो याद करने वाली चीज है, उसमें क्या रिवाइज करना है तुम लोगों का, हैं तुम तो दे भी नहीं दो बंगी। MFA में प्लीज बेसिस भी रिवाइज, देखो ये हाल है, बेसिस के ऊपर मैंने पूरी 1.5 क्लास ली है, फ्यूचर और स्पॉट के बीच में डिफरेंस, वो बेसिस कन्वर्ज कैसे होता है, अभी लिए मैं लास्ट 2 क्लासेस मैंने ली बेसिस के ऊपर, वो आप ही दोबारा बता दें, वीडियो नहीं खोलूंगा, हम भी नहीं देखने देते वीडियो। हाँ चलो जी बड़े हम आगे दोस्त, चलो मेरे बच्चों, यार यकीन करो मैंने MFA में सवालात कराए ना, सवालात थोड़े थोड़े करके दिए, 15 सवालात, 20 सवालात, 8 सवाल, 9 सवाल, मैं एंड में परेशान था उसको जमा कैसे करूं, फिर आइडिया आया मेरे पास, जो बंदा हमारे लेक्चर चोरी करता है उसने जमा करके एक हैंडआउट में दिए थे, उसका हैंडआउट कॉपी किया, मैंने कहा भाई यही सही है यार,
उसमें काशिप लिमिटेड आ रहा है, आकाश लिमिटेड आ रहा है, ठीक है जी, मुजू लिमिटेड मुजफ्फर को हम जाते हैं, ठीक है जी, शेजर लिमिटेड आ रहा है, सब आ रहा है, एआरटीडी के हैदर लिमिटेड तक भी आ रहा है, है? दो तीन गालियां में लिख देता ना, वो भी छाप देता। चले जी सर, यार इसको जल्दी से कर लेते हैं। अब बताएं हमारी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? आज घर जाके जो दो सवालों की वीडियो दे रहा हूं ना, ये तुम्हें मैं कसम दे के जा रहा हूं कि तुमने लाजमी देखना। देखो मुझे एक बड़ी गंदी फीलिंग आ रही है, लास्ट टाइम आई कैप के एग्जामिनर ने एक सवाल उठाया 19 मार्क्स का, पास पेपर्स का पुराना सवाल उठा के पूछ लिया एज इट इज, थोड़ी बहुत फिगर्स ऊपर नीचे की पूछ लिया उठा के, क्यों? उसे बाकी चीजों में बच्चों को ठीक ठाक टफ टाइम दिया जाए, लेकिन एक चीज उसने बहुत आसान उठा के दे दी, ठीक है, उसकी आदत है, वो पुराने पेपर्स उठाता है, बहुत पुराने, या उठाता है क्या चीज, फाइनल के पेपर्स, उसमें से उठा के सवाल की दुम और परवर काट के, ठीक है जी, नाखून वाखून काट के, पप्पू सा बच्चा बना के, है? सर मेरे पास ज्वाइंट कॉस्ट यहाँ कितनी है? 111। आप बताओ मैं ये ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट कर रहा हूं इन तीनों में किस बेसिस पे? सेल्स वैल्यू की बेसिस पे। सेल्स वैल्यू कितनी है? 43,200। फिर और इस रेशियो में जरा ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करो, फोर जीरो थ्री, बस पॉइंट वन को छोड़ो, जीपी सेम आएगा इसमें, हसन बिल्कुल सही कह रहे हो जी, थ्री टू के आगे भी कुछ होगा ना, फोर फाइव सेवन डबल टू, ये 2521 सर नेट प्रॉफिट निकाल लोगे ना इसका? जल्दी निकाल दो, फिर कहोगे ये नहीं कराया। 28 ये 1786। अब देखो इसमें कोई लॉस मेकिंग नहीं है, सारे प्रॉफिट मेकिंग है। रुक जाओ यहाँ पे, मैं सवाल का पार्ट टू देखना है, सुनिए दोस्त, यार एक बात बताओ, अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम फर्दर प्रोसेस करें तीनों को, तो 7.5 रुपए से प्राइस बढ़ के कितनी हो जाएगी? 8.70 रुपए, 6.80 रुपए से प्राइस बढ़ के कितनी हो जाएगी? इतनी, और 4 रुपए से बढ़ के 1 रुपए, 5.20 रुपए हो जाएगी। ऐसे ही है, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों, गौर से सुनना, इसको देखते हुए इसको सामने रखते हुए मुझे ये बताओगे कि मेरे पास एडिशनल रेवेन्यू कितना है तीनों प्रोडक्ट्स में, स्टैंडर्ड, स्पेशल और सुपीरियर में एडिशनल रेवेन्यू कितना है? 1.2 और 0.7 और 1.2। सुनो, अब इस रेवेन्यू को कमाने के लिए हमें मटेरियल लगाना पड़ा, ब्रेड क्रम्ब सब सेम, कितने ब्रेड क्रम्ब सर? 10 पैसे और 60 पैसे की लेबर, 10 पैसा मटेरियल और 60 पैसा लेबर, अच्छा जी, फिर इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड्स, सेकंड प्रोसेस में वेरिएबल ओवरहेड्स भी है, कितना वो कह रहे हैं? सेकंड प्रोसेस में जो ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स वो है 180% ऑफ लेबर, लेकिन उसका 1/4 यानी 1/4 हिस्सा, एक बंदा ऐसे भी कर सकता है, 180% का 1/4 हिस्सा कितना होता है? इसका मतलब है 45% ऑफ लेबर आपके पास वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा, निकालो 45% ऑफ लेबर, अब बताओ किस मछली को मस्त तेल में
फ्राई करना चाहिए और किसको ऐसी खा लेना चाहिए? एडिशनल प्रॉफिट पॉइंट ये भी पॉइंट 2-3। इसका मतलब है इन दो को तो फ्राई करके खाना चाहिए, इसको कच्चा नहीं मतलब बेचना चाहिए और इसको कच्चा बेच देना चाहिए। पक्का देख लोगे? अच्छा जी आगे बढ़ रहे हैं जनाब, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, छिद छिद हाथ चलाओ, काम निकालो, शाबाश जल्दी जल्दी। शाबाश मेरे बच्चों, एक और बड़ा सवाल हमने देखना है, फिर इसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है? जितने लोग क्लास में ऑनलाइन बैठे हैं, फिजिकल बैठे हैं, इनको अम्मी की कसम है घर जाके दो सवाल देखेंगे, अम्मियों की अपनी। हाँ मे भी एक से ज्यादा भी हो सकता है, बता रहा हूँ सर। बुक में हर चैप्टर के एंड पे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सॉल्व करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। किसकी वीडियो देखने के लिए टाइमिंग बढ़ा दें भाई? चल मैं ये कहता हूं मैं 3 मिनट से ज्यादा नहीं देख सकता, नींद आ जाती होगी। चलो ये भी एक अच्छा साइन है, कोई मसला नहीं। बस चलो जी ये देख ही लोगे इंशाल्लाह, तुम लोग पोर्टल पर क्वेश्चंस अपलोड हेड में किए हैं। अच्छा चलो उसको मैं पोर्टल पे भी डाल देता हूँ। या तुम लोगों को पास पेपर का वो मिला? नहीं मिला? हमारे काम करो, अंदर जाके ना वो जो एडमिन है ना उसको जाके बोलो, वहाँ एक बंदी बैठी होगी, सभा एक बैठी होगी सना, उनसे पूछो कि सर कह रहे हैं कि वो अपलोड हुआ है नहीं हुआ। बोलो सर क्लास में पूछ रहे हैं, जल्दी से जाओ, क्या अपलोड हुआ ये तो पता करो, पास पेपर्स अपलोड हुए नहीं, रेगुलर अपलोड हो गया, देखा सब रेगुलर अपलोड हो गया, क्रोम लिमिटेड, नॉरियन लिमिटेड, सॉल्ट लिमिटेड। अच्छा अभी होता रहेगा, ठीक है? अच्छा नहीं तुम लोगों के पास एक जगह आ जाएगा सारे पास पेपर्स, ठीक है? चलो जी ये फॉर गुड अब बन गया, पास पेपर की लाइब्रेरी बना के हम साइट पे कर देंगे, ताकि कल अगर कोई चीज बच्चे ने खुद से भी देखनी हो घर पे बैठ के तो वो आराम से देख सके। उसमें सिर्फ पास पेपर होंगे, ताकि ये आर खत्म हो जाए कि पास पेपर नहीं हुआ, ठीक है? मुझे वो याद आ गया, बैल आ रहा है, नहीं नहीं रोड में खड्डा है, हैं? रोड में खड्डा होता है ना, हैं? नहीं नहीं नहीं, जिससे फी पेगी उसके लिए सर्विस है। हाँ जी ऑकेंस लिमिटेड सर, ये एक छोटा सा सवाल है, मुझे फील हुआ कि यार लोग जो है ना वो ढूंढेंगे पास पेपर का सोल्यूशन, जगह जगह लेक्चर खोल के एक जगह उनको मिल जाना चाहिए। अहमद हमने ना ये जॉइंट कॉस्ट प्यारा बच्चा इस रेशियो में एलोकेट किया, ये जो रेशियो ना हमने इसमें एलोकेट किया।
ठीक है, एक लाख ग्यारह हजार दो सौ अस्सी को आप इस रेशियो में एलोकेट कर दो, सेट है। चलो जी, रेशियो में एलोकेट करना तो आता ही है। आए जरा दोस्त देखे, इस पे हेडिंग डाल दो, ये वो सवाल है जो तुमने पेपर के करीब दोबारा देखना है, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, ठीक है। मुझे बताओ बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट करते हैं, हाँ कितनी एनआरवी के बराबर, कितनी एनआरवी के बराबर, डन। आओ जरा दोस्त इस सवाल को देखिए, ये कह रहे जी हॉकिंस लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू जॉइंट प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, बॉडी एंड सोल, ठीक है। अब फर्दर प्रोडक्ट थ्री की घर की नहीं आई है, अ फर्दर प्रोडक्ट थ्री की इज ऑल्सो मेड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेकिंग सोल, ठीक है। देखो अंग्रेजी देखो इसकी, वो कह रहे जो बाय प्रोडक्ट है ना वो ऐसे प्रोसेस से निकला है जिससे सोल बनता है, यानी बाय प्रोडक्ट का बॉडी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये याद रखना, दो तुम्हारे मेन प्रोडक्ट है बॉडी और सोल, ये जो बाय प्रोडक्ट आ रहा है ना तीसरा प्रोडक्ट थ्री की, दिस इज कनेक्टेड टू सोल, ये प्रोडक्ट बॉडी के साथ कनेक्टेड नहीं है। Each product is sold in the bottles of 1 liter capacity. बोतलों में बेचते हैं सर ये। It is now January 2001. आपको बताया जा रहा है जनवरी 2001 क्या पैदा हो गए थे? अच्छा, कौन लोग नहीं पैदा हुए थे 2001 जनवरी? मुंजो दोड़ो के टाइम का आदमी है तू। ये गलत बात है। बार बार लाइन खत कर डिस्कनेक्ट हो जाए, मजाक कर रहे थे। हाँ तो वो कौन सा सीरियस समझ रहा है भाई? खैर खैर, हमारा भाई यार। चलो जी, जनवरी 2001 की बात हो रही है। यू आर द कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ हॉकिंस लिमिटेड, यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू एलोकेट कंपनीज जॉइंट कॉस्ट फॉर ईयर 2000 बिटवीन बॉडी एंड सोल एंड नॉट टू द बाय प्रोडक्ट थ्री की। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है एग्जामिनर की कि थ्री की को जॉइंट कॉस्ट एलोकेट नहीं करनी है। अच्छा, कॉस्ट इसको एलोकेट करनी है बॉडी और सोल, कोई टुकड़ा एक रुपए का भी कॉस्ट आपने बाय प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं करनी। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, आमतौर पर बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट करते हैं उतनी जितनी की उसकी एनआरवी होती है। यहाँ ये स्पेसिफिकली क्या कर रहा है, मना कर रहा है नहीं करो। मैंने कहा ठीक है, तो फिर क्या करें? उसने कहा आगे आपको बता दें, ड्यूरिंग 2000, सर आप सुने एक एक पैराम ग्राउंड करेंगे। ड्यूरिंग 2000 दो मिलियन लीटर ऑफ रॉ मटेरियल नेक्टर कॉस्टिंग 3 million वर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट अल्फा विद नो वेस्टेज। कितने मिलियन लीटर तुमने प्रोसेस किए? 2 million liter। खर्चा कितना आया? 3 million का मटेरियल और 1.657 million का कन्वर्जन कॉस्ट। तीन बातें पूछूंगा, कितने प्रोसेस किए? 2 million liters, ठीक है जी। मटेरियल का खर्चा कितना? 3 million। कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा कितना? इस एक पैरा को फोकस करो, मुझे एक बात बताओ। मैं कह रहा हूं मैंने खर्चा किया कितने का? 4657000, ऐसा ये मेरा खर्चा है, कॉस्ट है, ठीक है जी। कितने मिलियन केजी हैं, लीटर्स हैं? 2 million। ये मैंने ऊपर रख दिया, खर्चा मैंने नीचे कर दिया। क्या नाम है इस प्रोसेस का? डिपार्टमेंट अल्फा, ठीक है जी। अब गौर से सुनो, पार्ट ए, 50% ऑफ द आउटपुट ऑफ डिपार्टमेंट अल्फा वाज अनफिनिश्ड बी। यहां रुको, वरा इस 2 million liter का 50% कितना होता है? 50% यह है अनफिनिश्ड बी, कितना होता है वेट में? 1 million। ये अनफिनिश्ड बी बना, ठीक है जी, 50%। 50% ऑफ द आउटपुट ऑफ डिपार्टमेंट अल्फा वाज अनफिनिश्ड बी फॉर विच देयर इज नो एक्सटर्नल मार्केट, ठीक है जी। इट वाज ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट बीटा व्हेन इट वाज सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग एट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 8.1 million। हमने कहा भाई इसको हमने क्या किया? फर्दर प्रोसेस किया, किस डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट बीटा में, ठीक है जी।
डिपार्टमेंट बीटा में हमने इसको प्रोसेस किया, खर्चा कितना है इस डिपार्टमेंट बीटा में, 8 पॉइंट, ये खर्चा मैंने नीचे लिख दिया 8.1 मिलियन रुपीज। डन, इसे बना क्या, उसने कहा नॉर्मल वेस्टेज वो 16%, ठीक है जी, रिमेनिंग गुड आउटपुट वॉज फिनिश्ड बॉडी दैट कुड बी सोल्ड फॉर ₹10 per unit। उसने कहा इसके दो हिस्से बने, एक हिस्सा बना लॉस 16%, 16% यानी वेट में कितना, 1 मिलियन का 16% वुड बी 1,60,000। फिर क्या बना, ये बना बॉडी कितना, 8,40,000। उसने कहा ये जो 8,40,000 लीटर है ना, ये आराम से बिक जाएंगे रुपीज कितना, 10 रुपए में, कहां गया ₹10 per liter, ठीक है ये 10 रुपए में बिक जाएगा ऐसा। अब एक बात बताओ, ये प्रोडक्ट बिकने लायक हो गया है, इससे आगे इसको फर्दर प्रोसेस करने का कोई सीन सवाल में नहीं गिवन है, हमने 2 मिलियन में से 1 मिलियन को फर्दर प्रोसेस कर दिया, ठीक है आगे ले गया, जिसमें से लॉस आया और बाकी क्या आया, 8,40,000 का बॉडी आया टोटल। डन, पक्का, कोई मसला, पंचायत मसूड़ी पंगा, प्रॉब्लम, नथिंग। फिर आगे बढ़ो, अब बताओ बाकी हमने किस चीज को देखना है, पर रिमेनिंग 50% का क्या हुआ, यही है रिमेनिंग 50% है कितना, 1 मिलियन। देखो उसका क्या हुआ, मैं पढ़ने जा रहा हूं दूसरा पैरा, ये कह रहे जनाब द अदर 50% किधर गया, द अदर 50% ऑफ द आउटपुट फ्रॉम जॉइंट प्रोसेस इन डिपार्टमेंट अल्फा वॉज इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस्ड नेक्टर। जो बाकी का 50% है ना, उसने कहा कौन सा, उसने कहा ये वाला, उसने कहा ये है प्रोसेस्ड नेक्टर, वजन में कितना, 1 मिलियन। डन, हमने कहा इसका क्या हुआ, उसने कहा जनाब इट वॉज ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट गामा एज देर वॉज नो एक्सटर्नल मार्केट फॉर प्रोसेस नेक्टर, ठीक है जी, इन डिपार्टमेंट गामा इट वॉज फर्दर प्रोसेस विद नो वेस्टेज एट ₹30.9 मिलियन। अब हमारे पास एक और डिपार्टमेंट आ गया पिक्चर में, कौन सा, क्या मान, कितने का भी खर्चा, कितने का इसमें, 30 पॉइंट, ठीक ठाक खर्चा करके हमने उसको गामा में डाल दिया। अब बताओ सर हमारे पास अभी भी 1 मिलियन लीटर के बारे में कोई हमें पता नहीं है, किसको बेचेंगे कैसे। ऊपर वाला 1 मिलियन तो हमने बेच दिया, 8,40 बेच दिया, बाकी कचरे में डाल दिया। अब बताओ जी, अब इस 1 मिलियन का पार्ट ए किसका, इस 1 मिलियन, ठीक है इसका करेंगे क्या, उसने कहा जी ना जनाब 72% ऑफ द आउटपुट ऑफ डिपार्टमेंट गामा वॉज इन द फॉर्म ऑफ अनफिनिश्ड सोल फॉर विच देर वॉज नो एक्सटर्नल मार्केट। मर जाओ, घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है, ये क्या हमारे पास अनफिनिश्ड सोल, कितने परसेंट है, 72% ना, 7,20,000 लीटर, पक्का। फिर इट वॉज ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट डेल्टा, इंसान के बच्चे बनो, डिपार्टमेंट डेल्टा, कहा अच्छा इसके बाद क्या होगा, उसने कहा डिपार्टमेंट डेल्टा में 7,19,000 का खर्चा आया। हमने कहा ठीक है, हमने कहा इससे बना क्या, उसने कहा भैया इसमें से निकला 16.67% का लॉस। सर ये आपको कैसे पता चले, 67 लिखा, ये लिखा 16 होल नंबर 2/3, ठीक है ये 2/3 बेटा थोड़ा सा मसख हो गया, ठीक है जी, ये किसी ने इसको रगड़ दिया। चलो वो कह रहा भैया इसमें से फिर एक मसला है, क्या निकलेगा इसमें से, इसमें से निकलेगा कुछ लॉस, लॉस कितने का, 16.67 निकालो उधर, 1,20,000 और फिर बाकी, नहीं 24 नहीं, बस 1,20,000 सही, बाकी क्या
उसने कहा जनाब द स्पॉइल्ड कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट एनी चार्ज, रिमेनिंग इज फिनिश सोल। चलो जी ये हमारे पास आ गया सोल। कितने के जी गई? कितना? 1,20,000 में से 7,20,000 में से 1,20,000 निकले दो, 6,00,000 लीटर ये आ गया। खत्म? नहीं सर, इसमें से तो 72% ना, बाकी का क्या हुआ, इस लेग का क्या हुआ? अच्छा ये कितने का बिकेगा, ये जो सोल है कितने का बिकेगा? 60 रुपीज का। ऐसा फिर जी वो कहता है भैया रिमेनिंग 28% ऑफ द आउटपुट ऑफ डिपार्टमेंट गामा वॉज इन द फॉर्म ऑफ फिनिश 3G। ठीक है जी, इट वॉज सोल्ड इन द आउटसाइड मार्केट फॉर ₹8, बट ड्यू टू इट्स डेंजरस नेचर अ स्पेशल डिलीवरी कॉस्ट ऑफ 70,000 वर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट थेरऑफ। ठीक है, अब हमने क्या किया, बाकी हमारे पास क्या है सर? हमारे पास है बाय प्रोडक्ट 3G। ठीक है जी, कितने कितने के जी है जी? 3 चाबी हैं, 2 सीट। अब बता उसको हमने क्या किया, वो कह रहा है हमने उसको इस पर डिलीवरी कॉस्ट इन कर की, कितने की? 8 रुपए का, 280,000। ठीक है जी, ऊपर ऊपर 280,000 ऊपर। अच्छा, अनचेंज रहा, कितने का बिकाई? 8 रुपए फी यूनिट। अब आपसे वो कह रहा है प्यारे भाई ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है ना, ज्वाइंट कॉस्ट क्या है इसके अंदर, ये वाली, ये ज्वाइंट कॉस्ट है, ये आप एलोकेट करके दे। हमने कहा किस बेसिस पे? उसने कहा जनाब एलोकेट द अप्रोप्रिएट ज्वाइंट कॉस्ट बिटवीन बॉडी एंड सोल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सेल्स वैल्यू। What is meant by relative sales value? जहां product sales के लायक बदल आपने वो value ले ली। सर मुझे पता है body की sale कितनी है, soul की sales कितनी है? 60,000 into। अच्छा लेकिन एक amazing बात वो कर रहा है, और क्या चीज वो कह रहा है? Sales value treating the NRV of 3G as an additional sales value of soul। उसने कहा काम करो जो 3G है ना उसको सोल्स सोल की सेल्स में ऐड कर दो, यानी इसको जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करो नॉर्मल तरीके से। अब देखो आमतौर पे एग्जाम में इस तरह की बात वो नहीं करेगा, लेकिन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आमतौर पे एनआरवी जो बाय प्रोडक्ट की होती है उतनी उसको हम कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं, इसकी जो भी एनआरवी इसमें कॉस्ट दे देनी चाहिए। लेकिन वो कह रहा है नहीं ऐसा नहीं करो, आप इसकी एनआरवी को लो सोल्स की सोल की सेल में क्या कर दो, ऐड कर दो और फिर बॉडी ऑफ सोल में जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर दो। अगर एग्जाम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपके लिए रखता है तो फिर आपने जवाब भी वैसे ही देना है। पहले ये कॉपी करो तो मैं जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना सिखा देता हूँ। शाबाश, बता रहा हूँ मुझे बता। यार एक बात बताओ, कितनों के पास जो है ना वो इसका वैक्सीनेशन का लेटर आया? हाँ मतलब वो ईमेल आई होगी भाई, आप लोग अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सिर्फ आई कैप ने इसलिए किया है कि आप लोग अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो 1 तारीख और 2 तारीख की डेडलाइन दी है ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कभी ड्यू कोर्स अपना सर्टिफिकेट निकलवा के जो भी आपका सेकेंड डोज टाइम लग रहा है वो करवा के, इससे अच्छा है जाके किसी अच्छे से अस्पताल में सिंगल डोज लगवा लेते, जिंदगी सुकून में रखते, सिंगल डोज आता कैंसिन होगा वो लगा लेते हैं। हाँ जो भी है शुरू से मैं तुम लोगों सेशन की शुरू से बोल रहा था इस दवा गन करेगा, हसबे आता जब तक हमें बंगू नहीं आएगा।
बता रहा हूँ बेटा, अमजद बता रहा हूँ, कैंसिनो एफिशिएंट नहीं है भाई, मैंने तो वही लगाई थी, छह महीने गुजार दिए भी मैंने फाइजर का बूस्टर लगा। ये अब एक लंबी जो है ना वो गेम चलेगी, आपको हर साल हर छह महीने पे ये बूस्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना है? 2025 में बंदा लेकिन एक हर्ड इम्यूनिटी बन गई ना तो फिर लोगों को मसला नहीं होगा। पाकिस्तान में खैर इतना अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतना नुकसान नहीं हुआ। दो मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई इसमें, लेकिन ये कि बाकी जवान इतने बीच में नहीं गए। ये एक जी टी किसका वीडियो का पार्टनर बीच में गया यार, वो मेरा स्टूडेंट भी था, यंग बंदा था, उसका इंतकाल हुआ कोविड में, बिगड़ गया था कोविड उसको, ठीक है ना। बहुत मुझे अफसोस हुए, बच्चे उसके छोटे छोटे हैं। यकीन करो पूरे सेशन में इस बच्चे ने मास्क लगाया, बाकी ये इससे अशर आ रहे जो है नहीं, मैं वाकई बताऊँ, एक दफा ये कान कान उनके टूट गया था, मुंह में दबा के बैठा हुआ था, हम मुझे ऐसा फील हुआ। नहीं तो एक ही है या बहुत सारे हैं? बहुत सारे मैचिंग पहन के आते थे, तो ये दो के दोबारा पहनते थे। अच्छा ये वॉशिबल ये है, कितने का मास्क है? 150 रुपये। बाकी उनको 100 में क्यों मिलता है? आपने लूज बॉल भी एक इस बच्ची ने मास्क पहना हुआ है, वो उससे पीछे मास्क पहना हुआ है, दो एक इससे मास्क पहना हुआ, बस बाकी सब अल्लाह वास्ता। नहीं मैंने तो चलो अभी इतना बड़ा इंजेक्शन लगवाया, दो दिन बीमार रहा, इसका तो फायदा है। थ्री की बता रहा हूँ बेटा कितने में बिका, रुको 8 रुपए में बिका थ्री की। चले जी मैं इसको आगे लेके चलूं, कर लेगा मैं इसे पेपर में भी चार्ट बना के वो करना। हाँ अगर वो कहे तो, अदरवाइज आप टेबल में बना सकते थे, मैंने तो इसलिए चार्ट में बनाया ताकि चीजें कंट्रोल में रहे, ठीक है ना। पेपर में चार्ट नहीं बनाना, दही बड़े से काम चला लो बिल्कुल भाई। वो कह रहे क्या मतलब भाई, पेपर में तो बनता चार्ट बनाना चाहिए, चार्ट बना सकता है मसला, ठीक है जी। परेशान हो गया ये। अच्छा सुनो सुनो यार, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट रुक के यहाँ देख लो, बड़ी मेहरबानी होगी आप। कितने प्रोडक्ट है मेरे पास? सर बॉडी और बताओ इनकी सेल्स कितनी है? इसकी सेल्स है भाई 840,000 इंटू 10, इतना 8. इसकी सेल्स है कितनी थी? 6 लाख इंटू 60, कितना? अब इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बाय प्रोडक्ट की सेल्स भी है, अब बाय प्रोडक्ट कितने का आया उसकी कह रहे एनआरवी निकालो। एनआरवी सर, एनआरवी ऐसे निकलेगी बाय प्रोडक्ट की कि मेरे पास एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट ऐसे निकलेगी कि 280,000 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस कितने 21 लाख। ये वो कह रहे हैं सोल की सेल्स को ट्रीट, इसको सोल की सेल ट्रीट कर। हमने कहा ठीक है, अब बताओ हमारे पास सेल्स कितनी होगी दोनों साइड पे? ये हो गया 8.4 मिलियन और ये
का मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड ये मेरे पास आ गई सेल्स टोटल। इसी बेसिस पे इसी सेल्स की बेसिस पे आपने क्या करना है जॉइंट कॉस्ट, ये वाली जॉइंट कॉस्ट, ये वाली। भाई बच्चा पूछ रहा है इसमें जॉइंट कॉस्ट ऊपर वाली है नीचे वाली है? नीचे वाली है भाई। 4657000 को 4657000 को एलोकेट कर दे इसमें और इसमें, इसमें और इसमें। जी यार जायद हो तो मैंने क्लास में तुम लोग को 8-10 कराया यार, चलो खैर वो भी करा दूं जी। ये आ रहे हैं 8:40 और ये 3:08। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर दूं, ज्वाइंट कॉस्ट थी हमारे पास 4657000 एलोकेटेड ऑन सेल्स वैल्यू बेसिस। यही है मेरे बच्चों जॉइंट कॉस्ट हो गया एलोकेट। अब सुनो सुनो, छोड़ दो मिनट के लिए, बोर्ड पर देख लो मेरे बच्चा, क्या बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए और कोई खर्चा हुआ? हाँ हुआ, कितने का? 8.1 मिलियन का। ये एक अलग से खर्चा हुआ, पहले मेन प्रोसेस से निकला यहाँ तक पहुंचा बस, तो मैं एलोकेट कर दूं इधर। कौन सी डिपार्टमेंट गीता, कितने का खर्चा? 8.1 मिलियन। और कोई खर्चा है? हाँ है सर, गामा का खर्चा है 30.9 मिलियन का। डिपार्टमेंट गामा कितना? 30.9 मिलियन का। और खर्चा ऐसा, हाँ 7,19,000 का खर्चा डेल्टा। ये खर्चा स्पेसिफिकली इन्हीं प्रोडक्ट्स पे हुआ है, डन। अब बताएं सर मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है दोनों? ये बेटा कहते हैं इसकी बात करूं, ये तो लॉस होगा ना 5:40 का। ये चलो जी कितना आ रहा है भाई, जिससे जाना चले जाए क्योंकि मैं इसका टोटल ही करूंगा जी। कर लो छुट्टी, क्या निकाल के आ रहे हो हैं? पैसे निकाल लो, चाबी निकाल लो। क्या आ रहा है ये भाई? बेटा ये क्या आ रहा है? अल्लाह के रास्ते 27। आज आप घर जाने के बाद 3 सवाल देखते हैं, ठीक है? एक सवाल, 2 सवालों का भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ प्रोसेस के, ठीक है? तो वो आपसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है? वो लेके पहले बैठते हैं, तो क्वेश्चन सामने रखना, सोल्यूशन देखना, लेके चलना, फिर उसके बाद बंद करके दोबारा एक दफा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? अच्छा कल मैं ब्रेक दे दूँ तुम लोग, या कल बुला लूँ दोबारा? तो मैं चाह रहा हूँ अभी तुम लोगों को ब्रेक इवन और मटीरियल वैल्यूएशन पे और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे कुछ सवाल आप कराओ, ठीक है? चलो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, कल मैं सोच रहा था कि अपनी नींद पूरी कर लूँ, लेकिन तुम लोग बुला लेट नहीं रख पाऊंगा। सुबह के वक्त फारिग, तो शाम में यार पढ़ना होता है मुझे, बैठना होता है जी। हाँ जी सबसे ऊपर ये 2000 साल है,
कह रहा है ना जनवरी 2001 है, 2000 की कॉस्ट है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच।